चलो शुरू करें अपना। ये खत्म हुआ था लास्ट क्वेश्चन ओजोनोलाइसिस वाला। यस, शॉर्टकट हमने देखा था ओजोनोलाइसिस का क्या था, डबल बॉन्ड को हटाओ और ओ ओ सी ओ सी ओ लगाओ, ये बनता है अपना। ठीक है, अगला सवाल क्या बोलता है, अमंग द फॉलोइंग एल्कीन्स जो है आपका, वन इज वन ब्यूटीन, तीन एल्कीन्स दिए हुए, पहला है वन ब्यूटीन, दूसरा है सिस टू ब्यूटीन, तीसरा है ट्रांस टू ब्यूटीन, और इसमें बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, काफ़ी सिंपल, वेरी वेरी स्ट्रेट, एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एब्सोल्युटली स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो भाई सबसे पहली बात तो अगर आप इसको कंपेयर करो, ये तीनों के स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वन ब्यूटीन बोले तो सी कार्बन का चार कार्बन का चेन है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है और पहले पे दो हाइड्रोजन लगे हुए, बरोबर, यहाँ पर सी एच सी एच टू सी एच थ्री, ये आपका हुआ स्ट्रक्चर नंबर वन, इट इज़ वन ब्यूटीन, बरोबर। फिर सिस टू ब्यूटीन क्या है, सिस ट्रांस भी किया था हमने, सिस में क्या होगा सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, और ट्रांस में क्या होगा सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, इस तरह से। अब अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो सिमिलर, मैंने आपको जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स के लिए बताया था कॉन्फॉर्मेशन के लिए, क्या सेम लॉजिक अप्लाई होगा, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स बल्कि दूर दूर है ट्रांस में, तो वो सबसे स्टेबल होगा, बोलो हाँ या ना। मीन्स अगर आप देखो ट्रांस टू ब्यूटीन सबसे स्टेबल होने वाला है, विच मीन्स स्ट्रक्चर नंबर टू, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर नंबर टू हैज़ टू बी द मोस्ट स्टेबल। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्ट्रक्चर नंबर टू सबसे स्टेबल है, यस है ना, तो ट्रांस, फिर सिस, और फिर क्या बोलते हैं अपना वन ब्यूटी, ट्रांस फिर सिस फिर वन ब्यूटी, क्योंकि वन ब्यूटी में देखो यहाँ पर कोई भी आपका ये सब्सटीट्यूटेड एल्कीन नहीं है ना, ये साइड पे सिर्फ एक आपका प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, और ये साइड पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा ही नहीं है। ठीक है, सब्सटीट्यूट, और मैंने ये भी कहा था कि जितने ज़्यादा आर ग्रुप उतना स्टेबल, तो यहाँ पर दो आर ग्रुप है, यहाँ पर भी दो है लेकिन ट्रांस में, तो ये वाला सबसे स्टेबल, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो टू जो है स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, टू जो है स्ट्रक्चर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, टू के बाद फिर थ्री, थ्री के बाद फिर वन, टू थ्री वन, ऐसा ऑप्शन है कहीं पे, टू थ्री वन, टू थ्री वन नहीं है कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसा एक्सेप्शन लिख लेंगे कि भाई ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है टू यानी कि ट्रांस, फिर थ्री यानी कि सिस, और फिर वन यानी कि ब्यूट वन इन, ये चारों ऑप्शंस गलत हैं, ऑल फोर ऑप्शंस रॉन्ग। तो ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आ गया तो ऑब्वियसली अपन चैलेंज कर सकते हैं कि भाई चारों ऑप्शन गलत है, हमने जो आंसर अलग से जो हम जो एक्चुअल आंसर है वो तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो अगर आपने अटेम्प्ट किया कुछ भी एक मार्क कर दिया, कोई भी एक रैंडमली आपने मार्क कर दिया, तो आपको उसके पूरे चार मार्क मिलने पक्के। ठीक है, बट आंसर तो काफ़ी ईजी है, ट्रांस मतलब ऑब्वियसली क्या होगा, लीस्ट रिपल्शन, फिर उसके बाद आएगा सिस, और उसके बाद आएगा ये, क्योंकि ये नॉन सब्सटीट्यूटेड है। क्लियर हो गया बात, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये सबसे स्टेबल, फिर ये ओके, देन यू हैव दिस वन CH2 double bond CH2 hypochlorous acid gives M, which on reduction gives or reagent, which on reacting with a particular reagent gives CH2OH CH2OH. Okay? तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपके पास ये जो reagents दिए हुए हैं, या जो reagent पूछा है या M पूछा है, वो क्या क्या है। ठीक है, अच्छा ये भी आपके old syllabus में से पूछा हुआ है, ठीक है, ये फिलहाल ignore करो, आपके नीट लेवल पे, आपके नीट सिलेबस में ये क्वेश्चन इस वक्त तो नहीं है और नहीं आने वाला। ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में एल्कीन का रिएक्शन, ये जेई लेवल पे पूछा जाता है डेफिनेटली, मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपके लेवल पे ये नहीं पूछा जाए, इसको इग्नोर करो, फालतू क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये वाला देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, क्या कैटलिस्ट लिया उन्होंने, प्लैटिनम। अच्छा, प्लैटिनम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो हमने ऑलरेडी बेसिक्स में भी पढ़ा है, हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ा है, बहुत जगह पे पढ़ा हुआ है कि प्लैटिनम हमारे लिए अच्छा एडजॉर्बेंट होता है, पढ़ा है हमने प्लैटिनम क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा है मैंने, क्या होता है अच्छा एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेंट के प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं ए, जिसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड किया तो बना एन हेक्सेन। ठीक है, तो इसको लिखते जाओ ध्यान से, एक एक करके लिखते जाओ, क्या कि एक हाइड्रोकार्बन था अननोन जिसका नाम था ए, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम के प्रेजेंस में ऐड किया तो बना एन हेक्सेन, यही लिखा है।
पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को, यही लिखा है क्वेश्चन में, ए प्लस एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स एन एक्सेंट, बराबर है। व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज एडेड टू ए इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन ओनली अ सिंगल ब्रोमो कंपाउंड इज फॉर्म्ड, ठीक है। ए को जब आप क्या ऐड किया आपने, ए को हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या ऐड किया बच्चे, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड एच बी आर, ठीक है। तब क्या बना, सिर्फ एक सिंगल मोनो ब्रोमिनेटेड है ना, लास्ट टाइम याद है मोनो क्लोरिनेटेड का क्वेश्चन कराया था मैंने, तो यहां पर क्या हुआ, ओनली वन टाइप ऑफ ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट बना, क्या बना, ओनली वन टाइप ऑफ ब्रोमो प्रोडक्ट, है ना, ये बना। अब बोलोगे ठीक है भाई वन टाइप ऑफ ब्रोमो प्रोडक्ट बना ए से, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड ए। अब ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखोगे ऑप्शंस में तो सब में डबल बॉन्ड है क्या, पहले बताना, सब में डबल बॉन्ड है, सब अनसैचुरेटेड है, क्लियर बात है, यस। अब यहाँ पर सोचना कैसे, स्मार्टली बेसिकली सोचना है कि आपको उसने HBr ऐड करने बोला, क्या बोला, HBr ऐड करने, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, HCl हो HBr हो या HI हो, इनकी एडिशन में हमेशा आप क्या लगाओगे, मार्कोनिकोफ रूल लगाओगे, और अगर HBr विद पेरोक्साइड दिया रहेगा तो आप क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनिकोफ रूल लगाओगे, ये सीखा है हमने, ठीक है, ये तो बहुत क्लैरिटी से मालूम है। तो ओके एक हिंट ये हो गया कि भैया यहाँ पर ए में HBr जब लगाया तो एक टाइप का ही ब्रोमो प्रोडक्ट मिला, मींस जो एल्कीन है वो कैसा होना चाहिए था, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था, सिमेट्रिकल। अब बोलोगे सर आपने ये जंप कैसे मारा सिमेट्रिकल पे, आपको कैसे पता सिमेट्रिकल। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको कंसिडर करूँ इसको, ठीक है, ये वाले डी ऑप्शन को कंसिडर करो, देखो आपको समझ में आएगा कैसे फंडा है। ये अगर ऑप्शन को कंसिडर करूँ, अगर मैं बोलूँ बॉन्ड को तोड़ो और HBr को जोड़ो, आप कौन सा रूल लगाने वाले हो, पेरोक्साइड दिया है क्या क्वेश्चन में, पहले पढ़ो पेरोक्साइड दिया है क्या, नहीं मतलब मार्कोनिकोफ लगाओगे कि एंटी मार्कोनिकोफ, बोलोगे मार्कोनिकोफ, ठीक है, तो इसमें मार्कोनिकोफ लगा के देखते हैं डी में। अब बोलोगे सर ये बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, इसको एच दिया इसको बी आर दिया, बरोबर है मार्कोनिकोफ के हिसाब से, ये मेजर प्रोडक्ट बना, बोलो हाँ या ना, टू ब्रोमो हेक्सेन बना कि नहीं बना बच्चे, यस। अच्छा लेकिन माइनर प्रोडक्ट में इसको एच देके इसको ब्रोमीन देना पड़ता ना, तो ये वन ब्रोमो हेक्सेन बनता, तो यहाँ पे तो एक नहीं दो ब्रोमो बन गए, करेक्ट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग, क्या बनाना है अपने को, ओनली वन टाइप ऑफ ब्रोमो, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर वन पोजिशन पे भी ब्रोमो लग सकता था, टू पोजिशन पे भी लग सकता था, ऐसे दो प्रोडक्ट थे, तो ये गलत हो गया, क्लियर हुआ। अब आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा, यहाँ बताओ टू पोजिशन पे भी ब्रोमो लग सकता था, थ्री पे भी लग सकता था, बरोबर, ईजी लग रहा है, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, टू ब्रोमो हेक्सेन और थ्री ब्रोमो हेक्सेन, तो ये भी गलत, समझ गए, ईजी हो गया। अब यहाँ बताओ इधर भी ब्रोमो लग सकता था, इधर भी ब्रोमो, यानी कि इधर लगता तो आप बोलते टू ब्रोमो, इधर लगता तो क्या बोलते हैं थ्री ब्रोमो, बोलो हाँ या ना, यस। लेकिन ऑप्शन ए को देखो, अगर मैं यहां ब्रेक करूं इसको ब्रोमीन दूं तो आप नंबरिंग कैसे करते, वन टू थ्री, थ्री ब्रोमो, यस, क्या आता नंबर, थ्री ब्रोमो हेक्सेन। और अगर मैं इसको ब्रेक करके इसको ब्रोमो देता तो भी क्या नंबर आता, बोलो वन टू थ्री, क्या आता, थ्री ब्रोमो हेक्सेन। मतलब दोनों साइड से एक ही प्रोडक्ट मिलता, क्या, थ्री ब्रोमो हेक्सेन। तो आंसर आ गया कितने, पांच सेकंड में आंसर आ गया, क्या आएगा, थ्री ब्रोमो हेक्सेन आता, तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। समझ में आया, बहुत बड़ा क्वेश्चन बट बहुत ही इजी आंसर। क्या सोचना है, अगर सिंगल कंपाउंड बोलेगा, क्या बोलेगा, मार्कोनिकोफ लगाने के बाद क्या बोलेगा, सिंगल कंपाउंड, तो डायरेक्टली अपने दिमाग में क्या वर्ड स्ट्राइक होना चाहिए कि सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल होता तो ही सिंगल बनता, बोलो हाँ या ना। और इन सब में सिमेट्रिकल आपको एक ही दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि ये साइड तीन कार्बन है, ये साइड तीन कार्बन, समझ गए क्या, ये वाला अनसिमेट्रिकल है, ये वाला अनसिमेट्रिकल, ये वाला अनसिमेट्रिकल, क्लैरिटी से समझ में आया, बोलो हाँ या ना, यस। एन हेक्सेन तो सब देंगे, सबका हाइड्रोजन करेंगे तो ये एन हेक्सेन तो सब देने वाले हैं, लेकिन ये तुम्हारा कैच था, ये ओनली वन ब्रोमो प्रोडक्ट, क्योंकि ये थ्री ब्रोमो हेक्सेन बनाता है, क्लैरिटी से समझ में आ गया, यस, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल ये देखो, व्हेन 3,3-dimethyl-2-butanol इज ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। अब अगेन यहाँ पर एक छोटा सा नोट, ठीक है, ये मैंने अल्कोहल फिनोल चैप्टर में वैसे आपको थियरी में भी ये चीज पढ़ाई हुई है, बट दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। नोट क्या, H2SO4 सुनते ही क्या स्ट्राइक होना चाहिए, H2SO4 सबसे बढ़िया, पूरे दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट,
क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट. क्या है? H2SO4 क्या है? एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग, एक्सीलेंट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. तो अल्कोहल में से वो क्या निकाल देगा? वाटर निकाल देगा, यानी कि अल्कोहल में से रिमूवल ऑफ वाटर निकाल देगा. भाई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो H2O निकालेगा, है ना, सीधी बात है. अब सवाल ये है कि वो 3-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल को तुमने H2SO4 डाल दिया. क्या डाला? 3-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल. तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो. ब्यूटेन टू ऑल मतलब ये OH, और थर्ड पोजिशन पे इधर मिथाइल, थर्ड पोजिशन पे इधर मिथाइल. स्ट्रक्चर को कंप्लीट करो. समझ आ रही क्या बात? ये बना क्या? 3-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, बोलो हाँ या ना. चेक कर लो, ब्यूटेन 4 कार्बन, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल मिथाइल. 3-3 डाइमिथाइल ब्यूटेन टू ऑल बना, यस और नो? अब सवाल देखो क्या पूछ रहा है वो आपसे. वो ये पूछ रहा है बॉस कि इसको आपने जब ट्रीट कर लिया तो कौन सा प्रोडक्ट बना. तो बहुत ही आसान, एकदम हलवा प्रोडक्ट. आंसर क्या इतना इजी है? सेट्सेफ रूल लगता है इसमें. जब एलिमिनेशन होता है, एक तो OH यहाँ से जाएगा. क्या जाएगा? एक तो OH यहाँ से जाएगा. अब जो हाइड्रोजन है वो OH के बाजू वाले कार्बन से जाना चाहिए. कहाँ से जाना चाहिए? OH के बाजू वाले. अब आप बोलोगे सर इस कार्बन पे OH लगा हुआ था. ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ, इस वाले कार्बन पे OH लगा हुआ था, यस. अब इसके पड़ोसी के पास हाइड्रोजन तो है नहीं. पड़ोसी के पास हाइड्रोजन है यहाँ पे? इसके पास नहीं है, तो इसके पड़ोसी से लेना पड़ेगा. सीधी बात है कि नहीं? अच्छा, अब सवाल ये है कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है. क्लियर हुई ना बात? ये भी था और ये भी था ऑप्शन, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, तो कहाँ से लोगे आप हाइड्रोजन? ये सवाल आता है. तो भैया सेट्जेफ रूल क्या क्लियरली बोलता है? मैंने आपको सेट्जेफ रूल ये बताया हुआ है. अगर याद नहीं है सेट्जेफ रूल याद करो. थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ, एक बार बोलूँगा, फटाक से याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये पढ़ा था अल्कोहल फिनॉल में, आपने पढ़ाया हुआ है सर. ठीक है, सेट्जेफ रूल बोलता है, जिसको हम लोग एक्चुअली ZZEV बोलने चाहिए, बट ठीक है, मैंने ये बोला था सेट्जेफ रूल. रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द वन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. किसके पास से निकालना चाहिए? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके पास से निकालना चाहिए. ठीक है ना? सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन, मैंने क्या बोला, उस जगह से कार्बन निकालो, सॉरी हाइड्रोजन निकालो जहां पे कम हाइड्रोजन. सीधा सीधा अब मुझे बताओ कि ये OH है, ये तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये किस, ये क्या है तुम्हारा बीटा. अब बीटा के पास कोई हाइड्रोजन तो था नहीं, है ना, तो बीटा के पड़ोसी है यहाँ पे, इन तीनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है, और इस पड़ोसी के पास क्या है, एक ही हाइड्रोजन. तो जिसके पास एक हाइड्रोजन है उससे ले लो, बात खत्म. समझ गए क्या? यस. अब अगर इससे आप हाइड्रोजन लोगे तो क्या बनेगा, जरा देखना ध्यान से. तो क्या बनेगा? तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का तैयार होगा, CH3, 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 करेक्ट, सही बोल रहा हूं क्या? इसके पास से आपने क्या किया बेटा, OH भी ले लिया और H भी ले लिया, सही बोल रहा हूं क्या? है ना? अब क्या करना पड़ेगा आपको स्टेबलाइज करने के लिए? मैं पहले भी बता चुका हूं, मिथाइल शिफ्ट. क्या करना पड़ेगा? मिथाइल शिफ्ट. ये किया था हमने रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए, यस. अब बोलोगे सर कार्बोकैटायन कहाँ से आ गया? तो बस ध्यान दो जरा, कार्बोकैटायन से ही तो ये मैकेनिज्म है. कैसा है देखो, अब इसमें मैकेनिज्म में ज्यादा घुसोगे तो कंफ्यूज होगे, इसलिए बेसिक बताता हूँ. ये OH ग्रुप OH माइनस के फॉर्म में निकला, बोलो हाँ या ना. OH ग्रुप कैसा जाता है? OH ग्रुप कैसा होता है? OH माइनस होता है. और जब ये माइनस के फॉर्म में निकला तो यहाँ पे क्या आया, समझ गए, प्लस चार्ज. अब बताओ ये कैसा कार्बोकैटायन था? ये सेकेंडरी था, लेकिन अगर मिथाइल को यहाँ शिफ्ट करते तो इसको टर्शरी बनने का चांस मिलता. समझ में आ गई ना बात? तो मिथाइल को यहाँ शिफ्ट किया, टर्शरी बना, और यहाँ पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड. क्लियर, एकदम सही है, बढ़िया. तो इसीलिए क्या बना? अब आंसर ये बताओ, ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसका नाम बताओ. ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन. है ऐसा ऑप्शन? ब्यूट 2, यानी कि ऐसा ऑप्शन है. यस, आंसर है ऑप्शन ए, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेन. इजी सिंपल,
है ना, दो बेसिक चीजें याद रखनी है। H2SO4 अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सेट जफ रूल क्या बोलता है कार्बन। अच्छा अगर मैं इसको शॉर्टकट मार दिया मैंने, सेट जफ रूल यहाँ से कार्बन निकाल, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के सीधा डबल बॉन्ड लगा दिया तो ईजी हो गया ना, पर पूरा मैकेनिज्म और ये और फिर रीअरेंजमेंट ये वो लंबा चौड़ा, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ तुमको इसका यहाँ पे कोई स्टेप्स का मार्क्स थोड़ी थोड़ी बोर्ड एग्जाम लिख रहे हो यार, तुम आंसर मार्क करो सही से और आगे बढ़ो, बात खत्म है कि नहीं। अगला वाला ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, B2H6 क्या होता है, B2H6 इसको हम लोग बोलते हैं डाइबोरेन रिएक्शन, क्या बोलते हैं B2H6 को, बोलो B2H6 का नाम क्या है, डाइबोरेन, B2H6 का नाम है डाइबोरेन। अच्छा तो ये बता सकते हो B2H6 डाइबोरेन है तो बोरेन क्या होगा, BH3 बोरेन हाफ हो जाएगा, बोरेन BH3 है, B2H6 डाइबोरेन। अच्छा अब एक आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ट्रिक बताता हूँ याद रख लेना बहुत काम आने वाली है, ठीक है। जब आप एल्कीन में पानी डालोगे, क्या करोगे, एल्कीन में पानी डालोगे तो अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। अब एल्कीन में पानी डालने के तीन तरीके हैं, ठीक है, ये मतलब इतने शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ ना, इससे मेजॉरिटी क्वेश्चन तुम्हारे विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएंगे, करके देखना अभी। एल्कीन में पानी डालने के तीन तरीके, ठीक है, एक तुम डाल रहे हो H2O किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में डाल रहे हो, एसिड के प्रेजेंस, दूसरा तुम डाल रहे हो H2O, ठीक है, मर्क्यूरिक एसिटेट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक एसिटेट, ये आपके नीट सिलेबस में इसके ऊपर सवाल ज्यादा नहीं आते, जेई के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। और तीसरा आप वाटर डाल रहे हो किसके प्रेजेंस में, B2H6 के प्रेजेंस में, बट यहाँ पर वाटर नहीं, आप H2O2 डालते हो, क्या डालते हो, H2O2, ठीक है, इंस्टेड ऑफ वाटर यू स्टार्ट पुटिंग वॉट, यूर यूर पुटिंग वॉट, H2O2, समझ रहे हो क्या, ध्यान से सुनना इसको, ध्यान में रखना क्या डाला है मैंने यहाँ पे, H2O2 डाला है। अब तीनों केस में ये क्यों साथ में लिखा ध्यान देना, तीनों केस में क्या बनता है, तीनों केस में बनता है आपका अल्कोहल, तीनों केस में क्या बनता है, अल्कोहल, यहाँ पे बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, जब H2SO4 के साथ डालते हो क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब मार्गोनिकोव रूल लगता है, यहाँ पर भी बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन जब डाइबोरेन के साथ करते हो तो क्या बनता है, क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। ये छोटा सा एक ट्रिक याद रख लेना, ये छोटा सा ट्रिक याद रख लेना, अब देखो इसका आंसर अभी आपको ट्रिक अप्लाई करके कितने फटाफट आंसर समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया, क्या किया मैंने, एल्कीन में जब पानी ऐड किया, क्या समझ में आया आपको, एल्कीन में जब पानी ऐड किया तो वो तीन तरीके से पानी ऐड किया जा सकता था, एक तो एसिड के प्रेजेंस में, एक मर्क्यूरिक एसिटेट के प्रेजेंस में, और एक था जहां पर पानी की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड हुआ है, किसकी प्रेजेंस में, B2H6 की प्रेजेंस में, समझ में आया क्या। अब मेरे को इसमें से कौन सा वाला करना है बताओ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, चेक करो अब ये क्वेश्चन को पढ़ो, अब आप बोलोगे हाँ सर ये तो सही है, देखो एल्कीन है, रिएक्ट्स विद डाइबोरेन एंड ऑक्सीडाइज्ड विद H2O2, समझ गए, क्लियर, B2H6 विद H2O2 आया रिएक्शन, बोलो हाँ या ना, इसका नाम है, इसका नाम क्या है मालूम है, इसका नाम है HBO रिएक्शन, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, HBO बोले तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग बोलते हैं OMDM, इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते हैं, नीट के सिलेबस में ज्यादा नहीं आता, और इसको हम बोलते हैं ACH यानी कि एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ठीक है, ये सब टर्म्स हैं, टर्म्स रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक लॉजिक पकड़ना, बेसिक लॉजिक क्या, फिर से देखो, एल्कीन प्लस डाइबोरेन प्लस पेरोक्साइड, क्या बोला, एल्कीन प्लस डाइबोरेन प्लस पेरोक्साइड गिव्स व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल, क्या बोला मैंने, गिव्स व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी, आंसर बता दो, दो सेकेंड में आंसर, दो सेकेंड में आंसर, कितने कार्बन का ये था, ये दो और यहाँ पे R, ठीक है समझे, और अल्कोहल कैसा चाहिए, प्राइमरी, ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ये क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड, ये गलत, ठीक है, ये ऑप्शन सी क्या है, कीटोन तुम्हारा, ये गलत, ये तुम्हारा डायऑल, ये गलत, ऑप्शन बी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, कितने सेकंड में आंसर आया, दो सेकंड, बेसिक ट्रिक याद रखो, दो दो सेकंड में आंसर आएगा, क्या ये बात समझ में आई, इसमें लंबा चौड़ा मैकेनिज्म प्रोसेस वगैरह रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये ट्रिक याद रखना। अच्छा अब मुझे इसका जरा आंसर देना, अगर मैं आपको बोलता कि ये रहा प्रोपीन, ये रहा प्रोपीन, समझ गए, ये रहा प्रोपीन, प्रोपीन तो मालूम ही है, इसमें वाटर है और प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में ऐड किया, क्या किया, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, मुझे बताओ किस टाइप का अल्कोहल मिलेगा, क्या बोला मैंने, ऊपर पढ़ो, किस टाइप का अल्कोहल मिलेगा, सेकेंडरी, तो मेरा आंसर आ गया क्या, CH3
CHOH CH3, समझ गए, प्रोपेन टू ऑल, इजी, कितना, 2 सेकंड में आंसर आता है, क्लियर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें वही है कि आप अगर प्रोसेस और मैकेनिज्म और इसमें उसमें पढ़ोगे तो फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ट्रिक से करो, 2 सेकंड में आंसर, सिंपल। और ट्रिक ये फुल प्रूफ है, इसका आप कोई टेंशन नहीं लेना है, फुल प्रूफ ट्रिक बता। अगला सवाल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी, डायरेक्ट नीट अक्टूबर 2020 का अभी बस रिसेंट आया हुआ क्वेश्चन, क्या है, ठीक है, हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और कौन से वाले कितने सारे आपके पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, बराबर। चलो कर ले मार्किंग फटाफट, मुझे बताओ बेंजीन के सारे कार्बन, ये वाला sp2, ये वाला sp2, बेंजीन के सारे कार्बन sp2 होते हैं क्या, ठीक है, ये वाला sp है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला sp है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। अब ये COOCH3, इसको ध्यान से देखना, करेक्ट, ये क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड OOCH3 रहेगा, और जिस पे डबल बॉन्ड है वो कैसा है बच्चे, वो sp2 है, कैसा है, sp2 है ना, कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन एटम्स हो गए 7, वेरी गुड। अब मेरे को बताओ, तो ए और सी में से आंसर इतना पक्का हो गया, देखो कितना ब्रिलियंट बात हो गई, सही है ना। अब मेरे को क्या करना है, पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, देखिए यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, और ये यू नो 1 2 3 4 5, और ये वाला 6, ट्रिपल बॉन्ड में से पहला सिग्मा होता है, बाकी 2 पाई होते हैं, और यहां पर एक, ये कितना हुआ, 3 4 5 और 6, तो 7 sp2 कार्बन्स एंड 6 पाई बॉन्ड्स, क्या बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, ठीक है, कैच किया था, इसको ढंग से लिखने आना चाहिए, इतना तो, ये तो बहुत बेसिक चीज है यार, और ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, नीट 2020 19 18 के क्वेश्चन कितने इजी हैं, सारे बन रहे हैं आपसे, आप देखो, खुद देखो, आपको टफ कौन से लग रहे हैं, 93 97, जो आप पैदा भी नहीं हुए थे, मैं पैदा हुआ था मुश्किल से, तब के जो सवाल है वो बाबा आदम के सवाल के सवाल, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी चिंता मत करो, बार बार आपको मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मोटिवेशन रखो, थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस रखो, आपको मैं बता रहा हूँ आपके क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे जो डायरेक्ट आपसे बनेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। देखो ये 2019, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एल्काइन है, इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है। अब मुझे ये बताओ सॉरी, मेरे को यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, और यहीं पे लाके रोकना है, मेरे को ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल में नहीं जाना है मुझे। अब ये लॉजिक समझ के बताना, सवाल सोच के आंसर देना, कि मैंने कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन किया या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन किया। हाँ बोलोगे सर पार्शियल किया, सीधी बात है, वेरी गुड, क्यों बोलोगे सर, सी ट्रिपल से आप सी डबल पे गए, सी सिंगल पे आप नहीं गए, ये आपने सॉरी सी सिंगल पे आप नहीं गए, है ना, तो मतलब पार्शियल, और पार्शियल के लिए हमारे पास दुनिया में एक ही रिएजेंट होता है बॉस, लिंडलार्स कैटलिस्ट, कौन सा होता है, लिंडलास कैटलिस्ट, जहां पर हाइड्रोजन को आप पैलेडियम में रखते तो हो, लेकिन उसके साथ में एक डाल देते हो पॉइजनिंग एजेंट, क्या डाल देते हो, पॉइजनिंग एजेंट, दिस इज क्विनोलिन, पॉइजनिंग एजेंट क्या है, क्विनोलिन। अब इसके बारे में थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, क्या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन जब आपको करना है, क्या करना है, सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन के नाम से ही आपको एनसीईआरटी में मेंशन है, नेम रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन, क्या नाम है, सेबेटियर सेंडरन, बहुत बुक्स में सेबेटियर सेंडरसन भी बोला हुआ है, ठीक है, सेबेटियर सेंडरन रिएक्शन, अगेन नेम रिएक्शन आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझना यह है कि यहां पर क्या होता है, कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हो कैसे, हाइड्रोजन ऐड करके। अब बोलोगे सर जब हाइड्रोजन गैस लगाते हैं तो हमको आपने बचपन से यह सिखाया हुआ है कि उसमें आप एक पैलेडियम या प्लैटिनम लगा देते हो जो अच्छा एड्सॉर्बेंट है, या तो प्लैटिनम या पैलेडियम या फिर रहने निकल लगाते हो ना। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप प्लैटिनम पैलेडियम के साथ में हाइड्रोजन रखते हो तो वो डबल बॉन्ड पे आके नहीं रुकता, वो सीधा आगे घुस के क्या बना देता है, सीधा सिंगल बॉन्ड बना देता है। तो आप उसको रोकने के लिए एक पॉइजनिंग एजेंट लगाते हो, क्या लगाते हो, पॉइजनिंग एजेंट, ठीक है। अब वो पॉइजनिंग एजेंट हो सकता है या तो BaSO4, क्या हो सकता है, BaSO4, या फिर CaCO3, या फिर क्विनोलिन, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर कौन सा है, यहां पर है क्विनोलिन, आंसर आ गया, ठीक है।
आप बोलोगे सर ये इसका नाम क्या है, पैलेडियम विद BaSO4, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, तो पीडी प्लस BaSO4 को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिंडलार्स रिएजेंट। पीडी BaSO4 को क्या बोलते हैं? लिंडलार्स रिएजेंट। अगर हम जिंक इन HCl लेते हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम, समझो आपको कुछ आइडिया नहीं है, चलो वर्स्ट कम वर्स्ट, तो आपको ये तो पता है ना कि भाई यहां पर ट्रिपल का डबल हो रहा है और एक हाइड्रोजन बढ़ रहा है, काउंट ही कर लो कम से कम, तो मेरे को मालूम है कि हाइड्रोजन ही डाला है। अच्छा, उसमें ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि मेटल इन एसिड, ये भी हाइड्रोजन सप्लायर, सब हाइड्रोजन सप्लायर हैं, बरोबर। बट इसमें वही मुद्दा है, ये सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये सीधा उसको क्या बनाएंगे, एल्केन बना देते हैं। अपने को क्या चाहिए? पार्शियल। द मेन वर्ड हियर इज क्या? पार्शियल। और पार्शियल के लिए हमारे पास एक ही होता है, जहां पर पैलेडियम को आपने पॉइजनिंग किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पॉइजनिंग। तो यहां पर BaSO4 या ये जो सब है, इनको क्या कहा जाता है बच्चे? क्या कहा जाता है इनको? पॉइजनिंग एजेंट। क्या कहा जाता है? पॉइजनिंग, मतलब ये उसकी इफेक्टिवनेस को खराब कर रहे हैं ना। जब वो इफेक्टिव था तो वो फटाक से एल्केन बना रहा था, लेकिन यहां पर तुमने उसको जहर दे दिया, उसकी इफेक्टिवनेस को खराब कर दिया, पॉइजन कर दिया उसको, इसलिए वो एल्केन नहीं बना पा रहा, वो एल्कीन पे आके अटक जा रहा है। समझ गया? वो अरिजीत का गाना है ना, अटक गया है वो, आके क्या हुआ है? अटक गया है। समझ गए? ठीक है, ओके। ये तो आगे देखो कितने, आप सोचोगे यार सर ये तो 18, 19, 20 में तो मजाक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यार, है कि नहीं? देखो क्या पूछ रहा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड, मजाक चल रहा है? सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे को सवाल पूछ रहा है क्या? हाँ बताओ, चलो फटाफट। पेंट टू इन फोर आइन, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड पोजिशन पे बच्चों डबल बॉन्ड, फोर्थ पोजिशन पे ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर है क्या? आंसर आ गया, आंसर आ गया बॉस, बाकी सोचने की जरूरत ही नहीं। कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 पाई बॉन्ड, बात खत्म, है ना? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 3 पाई बॉन्ड, खत्म। प्रूफ करके देखना है, चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। यहां पर 3 सिग्मा है, फिर ये 1 सिग्मा है, फिर ये 1 सिग्मा है, ये 1 पाई, फिर ये 1 सिग्मा है सी और एच के बीच में, फिर ये सिग्मा है, फिर ये सिग्मा है, और ये पाई और पाई। सिग्मा गिनो कितने हुए, ये भी सिग्मा है, यहां पर सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 1, 2, 3, 4 या गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक होगा, कहीं मिस कर रहा हूं मैं, कहीं मैं मिस कर रहा हूं कोई, एक पाई बॉन्ड CH3, सॉरी मैं एक सिग्मा बॉन्ड कहीं, यहां पर CH होना चाहिए ना, CH, तो यहां पर और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये और एक सिग्मा, ठीक है, और पाई बॉन्ड आपके 3, आपको 3 पाई बॉन्ड देख के आंसर आ गया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करने का, बट आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, डिटेल करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको गारंटी रहे कि हाँ सर सही बता रहे हैं, मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला देखो, कितना इजी इजी क्वेश्चन है यार। एसिडिक कैरेक्टर, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बेसिक्स में पढ़ा है, क्या परसेंटेज एस कैरेक्टर के ऊपर क्या डिपेंड करता है? जो परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर है वही क्या है, वही क्या है, वही एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। और परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर आपको पता है, एसपी SP2 SP3, क्यों? क्यों? क्योंकि एसपी में 50%, फिर 33, फिर ये, तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन ए को आप देखो गलत कहां हो गया, यहां पर डबल को ट्रिपल से आगे रखा है, रॉन्ग। यहां पर ट्रिपल को बी में है, चलो ठीक है, सी में भी है, ठीक है, सी में देखो ना, फिर से डबल के बाद फिर ट्रिपल रख दिया, रॉन्ग। डी में देखो सिंगल को डबल के आगे रख दिया, रॉन्ग। बॉम्बे को देखो बी ट्रिपल ट्रिपल डबल सिंगल, आंसर आ गया क्या? ऑप्शन बॉम्बे, खत्म। कितना क्वेश्चन देखो, कितना आसान। क्या याद रखना है? अब यही है कि सर ने जो जो बेसिक चीजें बताई है वो भूलनी नहीं। क्या बोला है सर ने? कि जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का ऑर्डर है वही एसिडिक कैरेक्टर का भी ऑर्डर है। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका है? एसपी SP2 SP3 क्या है, है ना? इसका 50%, इसका 33%,
हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से यही ऑर्डर हमेशा निकल के आता है ना। अभी हर बार मैं डिटेल नहीं लिखूंगा, ये अभी अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ गया। अगला देखो ये वाला, अब रिएक्शंस यही है, यहीं पर सबसे गड़बड़ होती है ना। सर रिएक्शन याद नहीं रहता, अरे कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, रिएक्शन सारे याद होंगे। चलो देखो क्या क्या फंडे मुझे बताओ। सॉरी, NaNH2 इन लिक्विड NH3, ये क्या है? NaNH2 इन लिक्विड NH3, दिस इज सोडियम और अमाइन, सोडियम और अमाइन इन लिक्विड NH3, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको ये दिया उन्होंने, ये वैसे इस कंपाउंड का नाम क्या है? ये एसिटिलीन है, ये क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन को आपने हाइड्रोजिनेशन किया, क्या किया? हाइड्रोजिनेशन। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, क्या है? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, इसको सोडामाइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सोडामाइड, क्यों? ये अमाइड ग्रुप है ना, सोडियम है, सोडामाइड भी कहते हैं। तो ये आपने एसिटिलीन लिया और उसको आपने क्या किया? सोडामाइड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, और फिर उसको इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट किया, या इथाइल ब्रोमाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट किया रादर। फिर एक्स लिया आपने, सेम उसका वैसे रिएक्शन किया, सेम उसी, देखो ध्यान से, सेम चीज के प्रेजेंस में क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है, विच मीन्स आपने एसिटिलीन लेके उसका हाइड्रोजन, उसका क्या किया? रिडक्शन, यानी कि हाइड्रोजनेशन बेसिकली किया, फिर इसके साथ रिएक्ट किया, फिर एक्स मिला, फिर उसको दोबारा, मतलब कि सेम रिएक्शन आपने दो बार किया। पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या बोल रहा हूँ, ये नीट 2016 के फेज वन का क्वेश्चन, ठीक है, और बताया ना नीट 2016, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये खतरनाक, ये है क्या बोलते हैं, कंपाउंड खतरनाक, ये अपना एग्जाम था। अब सवाल ये है कि बॉस आप ध्यान से अगर देखो तो आंसर, वैसे भी आंसर इज अगेन गोइंग टू जंप आउट एट यू, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, आंसर इज वेरी ऑब्वियसली गोइंग टू जंप आउट एट यू, बट जस्ट टू गिव यू अ ट्रिक, अ स्मॉल आइडिया ऑफ हाउ टू थिंक। समझो आप इस क्वेश्चन को देख के कंप्लीटली ब्लैंक हो, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, कैसे जज करें? अब बोलोगे चलो मेरे को इसका रिएजेंट का कुछ एक्शन पता नहीं, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, नहीं मालूम, चलो भाड़ में क्या, नहीं हटाओ, ये सिंगल डबल या ट्रिपल क्या है? ट्रिपल है, अनसैचुरेटेड है, क्या प्रेफर करेगा, एडिशन या सब्सटीट्यूशन? एटलीस्ट इतना तो बता दो, एडिशन, ये तो पक्का मालूम है, ये तो मतलब एकदम बेसिक चीज पूछ ली। अब बोलोगे अच्छा इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा? एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, क्या ऐड होगा? एल्काइल ग्रुप। अच्छा इसके पास कितने कार्बन है? इसके पास कितने कार्बन है? दो। इसमें ये वाला एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, कितने बन जाएंगे? दो और दो चार, तो ब्यूटाइन है ना, सही है। अब सवाल है कि कौन सी पोजीशन पे ऐड होने वाला है, सवाल ये है कि कौन सी पोजीशन पे ऐड होने वाला है, तो भाई यहाँ ऐड होगा ऐसे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि वन ब्यूटाइन, समझ गए, और यहाँ ऐड होगा तो भी ऐसे काउंट करोगे तो भी बोलोगे वन ब्यूटाइन, अरे बोलो हाँ या ना। तो आपको ये तो पता चल गया कि वन ब्यूटाइन बनने वाला, मतलब कि सी और डी में से आंसर एक क्लियर, समझा, और कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा अब आप वन ब्यूटाइन बना लो, चलो मान लो आपने ये किया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस सी एच थ्री सी एच टू बी आर, मान लो हाँ, और मैं बोल रहा हूं आपने क्या किया कि एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह पे सी एच थ्री सी एच टू लगा दिया, बाकी एज इट इज लिख दिया मैंने, ये बन गया आपका वन ब्यूटाइन। अच्छा उस साइड लगाता तो भी वन ब्यूटाइन ही बोलते क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से काउंटिंग करते आप, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वन ब्यूटाइन बदना तो तय था। अच्छा अब ये वन ब्यूटाइन में ले रहा हूं, अब मैं फिर से इसको रिएक्ट कर रहा हूं सेम तरीके से और सेम कंपाउंड से, अब आंसर बता दो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन फिर से जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है भाई, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मत बोलो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने सॉल्व किया, मोस्ट एसिडिक कौन है? ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा एसिडिक है, देखो। अब बोलोगे अरे हाँ सही बात है, तो ज्यादा एसिडिक है तो वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अच्छा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C और फिर वापस CH2 CH3, करेक्ट। कितने कार्बन बने बताओ? 1 2 3 4 5 6, और हेक्स और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पे काउंटिंग करो, 1 2 3, यहाँ से करेगा 1 2 3, दोनों साइड से करेगा 1 3 1 2 3, मतलब हेक्स 3 आयन बनेगा, क्या आएगा आंसर? ऑप्शन दिल्ली। अब मुझे बताओ
मुझे इसकी कोई ज़रूरत थी क्या, मेरे को जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये हाइड्रोजिनेशन करता है। क्या करता है ये? हाइड्रोजिनेशन यानी कि ये भी बेसिकली रिडक्शन ही करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है। क्या करता है ये? बेसिकली हाइड्रोजन ऐड करता है, ठीक है। तो वही ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है। डिटेल में जाऊँ तो अगर मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म वैसे भी अभी कोई फ़ायदा नहीं होता मैकेनिज्म का, आपको ट्रिक से करना, ठीक है। ये अगर ऐसा करता तो फिर आप बोलते हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड किया, फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर एक उसको HBr निकला, फिर वो इधर ऐड हुआ, ऐसा समझे, इस तरह से। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट यही इस तरह से बनता होगा, ठीक है। क्या किया मैंने? कार्बन नंबर काउंट करके आपको आंसर लिखना सिखाया, समझ गए क्या? सिंपल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल बी डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन वन ब्यूटाइन एंड टू ब्यूटाइन? वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन के बीच में कौन सा रिएजेंट डिस्टिंग्विश कर पाएगा, ठीक है? क्या बोला मैंने? वन ब्यूटाइन और टू ब्यूटाइन के बीच में कौन सा रिएजेंट डिस्टिंग्विश कर पाएगा? तो इसका आपको आंसर ये तो है, ये थोड़ा फैक्चुअल है, ये लर्न सीधा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, ऑप्शन ए बी सी डी को ध्यान से समझा देता हूँ, और ऑप्शन ए के ऊपर जरा फोकस करके सीखना। NaNH2 ये बेसिकली आपका, इसमें अमाइन ग्रुप है ना बेटा, इसमें क्या है? अमाइन ग्रुप है, तो ये आपका बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? बेस की तरह, ठीक है। और वन ब्यूटाइन में जो हाइड्रोजन होता है, टर्मिनल हाइड्रोजन, वन ब्यूटाइन में जो टर्मिनल हाइड्रोजन होता है कैसा? ये वाला CH3CH2C CH, ये वाला टर्मिनल वाला हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाईली एसिडिक होगा, बोलो आया ना। ये बेस के साथ रिएक्ट करना चाहेगा, भाई ये एसिड है, ये बेस है, तो साथ में रिएक्ट करना चाहेगा। लेकिन वन ब्यूटाइन का जो ये होता है क्या, सॉरी टू ब्यूटाइन का जो सिस्टम है, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा कोई हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला रिएक्शन देगा, ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, समझे क्या? ठीक है। अब इसमें एक और नोटवर्दी बात है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, टेटोलेंस रिएजेंट का नाम आपको सिखाया था थियरी में, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाते हो, सिल्वर मिरर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, याद होगा? याद नहीं है तो एल्डिहाइड कीटोन अभी करेंगे, इसके बाद तो रिवाइज हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट, एल्काइंस में टर्मिनल वाले एल्काइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए नोट कर लेना, दो ही चीजें काम आती है, क्या? ये डायरेक्ट आंसर है, हाँ, टू फाइंड या टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एल्काइंस आप क्या यूज करते हो? टर्मिनल एल्काइंस को डिस्टिंग्विश या फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करते हो बच्चे? एक या तो टोलेंस रिएजेंट, क्या यूज करते हो? वैसे और भी चीजें होती है बट आपके सिलेबस के हिसाब से बता दूं, टोलेंस रिएजेंट या तो फिर NaNH2, बात खत्म। दो ही चीजें पॉसिबल है और कुछ पॉसिबल नहीं, क्लियर? बढ़िया सवाल, ठीक है। टोलेंस रिएजेंट ध्यान में रख लेना, एल्डिहाइड कीटोन में बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट के हिसाब से भी बोलते हो, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, ढेर सारी एप्लीकेशन उसकी सिखाऊंगा एल्डिहाइड कीटोन्स में, ठीक है। अगला ये सवाल, चलो करके देखते हैं। प्रिडिक्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ब्यूट वन आइन। आपके पास ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, ये वाला रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखो। ब्यूटाइन दिया है, उसका किसके साथ रिएक्शन किया? HCl के साथ। ब्यूटाइन दिया है, ये ब्यूट वन आइन दिया है, किसके साथ रिएक्शन किया? HCl के साथ। फिर जो प्रोडक्ट बना उसका किसके साथ रिएक्शन किया? HI के साथ। और हमको फाइनल जो प्रोडक्ट है सी, वो ढूंढने का है, क्लियर? बहुत सिंपल है। अब जरा बात को समझना। मेरे पास ब्यूट वन आइन है, किससे शुरू करने बोला उसने मेरे को? ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ब्यूट वन आइन, ये ठीक है, ब्यूट वन आइन। अब मेरे को इसमें HCl डालना है, क्या डालना है? HCl। मुझे बताओ यहाँ पर ये सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है? इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास जीरो हाइड्रोजन है, करेक्ट? एडिशन रिएक्शन ही होगा, मतलब एक कितना ऑब्वियस। आप बोलोगे सर ये तो बड़े बेसिक चीज़ें हैं यार, बहुत बेसिक चीज़ें पूछ रहा है ये, कि बट करेक्ट। अब ये बोलेंगे, मैं बोलूँगा पाई बॉन्ड को तोड़ो और इसको एच दो और इसको Cl दो, या फिर इसको एच दो और इसको Cl दो। अब मैं कैसे डिसाइड करूँ भाई, मार्कोनी कॉफ लगाऊंगा मैं, करेक्ट? तो CH2, C ट्रिपल का क्या हुआ? डबल। इसको हाइड्रोजन दिया, इसको क्लोरीन दिया, समझे? इसको हाइड्रोजन दिया, इसको क्लोरीन दिया, कैसा?
क्योंकि इसके पास लेस हाइड्रोजन था ना, जीरो, और इसके पास एक हाइड्रोजन था, तो नेगेटिव वाला इसको दिया, पॉजिटिव वाला इसको दिया, क्लियर? ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तक है इसमें? बस इसमें बेसिक क्या याद रखना है, मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है भाई, नेगेटिव वाला ये इधर। अच्छा, अगर इसको मेरे को आपको बहुत लंबा चौड़ा खींच खाँच के समझाना होता तो क्या मैं बोलता कि भाई यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटा, हाँ, फिर इसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, जो पाई बॉन्ड का चार्ज था है ना, वो इसको चार्ज मिला, क्योंकि इसको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल फील करेगा, ऑल दो नाटक में बोलता आपको, लेकिन वो सब करने की जरूरत ही नहीं। क्या मैं सीधा मार्कोनिकोफ बोल दिया, नेगेटिव वाला किसको दो, लेस हाइड्रोजन वाले को दे दिया आपने, बात खत्म की। हाँ, अब क्या बोल रहा है वो आगे, अब बोल रहा है कि इसको, इसी को रिएक्ट किया आपने किसके साथ, एच आई के साथ, किसके साथ, क्या अभी भी अनसिमेट्री है, देखो इसके पास जीरो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। अब बोले अरे वाह सर, ये तो सही है, बन गया एकदम मजेदार काम हो गया इसमें, हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसके पास जीरो हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है कि नहीं, तो नेगेटिव आई माइनस किसको दू, इसको, एच किसको दू, इसको, आंसर क्या आएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी आई सी एल सी एच थ्री। कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड, समझ में आया, आंसर क्या आया, ऑप्शन ऑप्शन दिल्ली, देखो डी, सिंपल डायरेक्ट आंसर। अगेन क्यों, क्योंकि आपको मार्कोनिकोफ रूल पता है, नहीं पता तो आप फालतू में टाइम पास करते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे, और ज्यादा जो मैकेनिज्म वाला दिमाग इसमें लगाएगा ना, देखो मैकेनिज्म वाला दिमाग जेई में लगता है, नीट में नहीं लगाने का, समझे क्या, नीट के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एनटीए बोलता है भाई हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिक लगाओ, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, समझ में आया क्या, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मतलब अगेन कितने कार्बन है गिनो, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन है, पेंटाइन और पेंट टू आइन है, क्या है, पेंट टू आइन, और ओ हो हो हमारा फेवरेट ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस की ट्रिक आपको एल्कीन के लिए बताई थी, एल्काइन के लिए भी बता दूं क्या, ओजोनोलाइसिस की ट्रिक, देखो बिना ट्रिक के ओजोनोलाइसिस करने का कोई मजा ही नहीं लाइफ में, ओजोनोलाइसिस ट्रिक फॉर क्या, एल्काइन, क्या बोला था मैंने याद करो, एल्कीन के लिए क्या, दो बॉन्ड गायब करो और क्या करो, बाजू बाजू में सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड जोड़ दो। अब यहाँ पर तीन बॉन्ड है, यहाँ पर कितने बॉन्ड है बोलो, तीन, उसमें से कितने गायब करने हैं मैंने, दो, मतलब एक को रखना है कि नहीं रखना है, एक बचा रहेगा, मतलब दो मॉलिक्यूल अलग अलग होने वाले हैं कि नहीं, टेक्निकली दो मॉलिक्यूल अलग अलग नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो बात को, ये सुनो, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली इन्होंने ऑप्शन सब एब्सर्ड ही दिए हैं, ठीक है, O3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलना चाहिए था, इस क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बट मेरे हिसाब से आप इसको ये कर लेना, क्या ऐड कर लेना, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, कैसा है, ऑक्सीडेटिव, मतलब कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नहीं तो टेक्निकली तो अगर आप एल्काइन का ओजोनोलाइसिस करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होना ही नहीं चाहिए, दो अलग अलग प्रोडक्ट नहीं मिलने चाहिए थे, बट खैर बता देता हूँ, चलो मेरा जो जो बताया हुआ ट्रिक है वही लगाना, सी एच थ्री, ट्रिक मत भूलना, सी एच थ्री सी, 1 2 3, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ ट्रिपल बॉन्ड को, समझ गए क्यों, क्योंकि मैं दो बॉन्ड तोड़ के आपको दिखा पाऊँ, दूर दूर लिख रहा हूँ है ना, फिर सी, फिर क्या, सी एच टू सी एच थ्री, ये है ना कंपाउंड का स्ट्रक्चर, चेक करो यही दिया है, हाँ है ना। अब मैंने क्या बोला, तुम दो बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू सी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को जोड़ो, क्लियर है कि नहीं, इसको एक बॉन्ड को ऐसे ही मेंटेन रखना। अब प्रॉब्लम ये कि आप बोलोगे सर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, है ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये गधे लोगों ने ऑक्सीडेटिव नहीं लिखा। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है, ऑक्सीडेशन। अब ये दोनों क्या, ये दोनों कीटोन ग्रुप है, दोनों क्या है, कीटोन ग्रुप। जब कीटोन ग्रुप का जबरदस्ती ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप नॉर्मली ऑक्सीडेशन रेजिस्ट करता है, बट जबरदस्ती करोगे तो क्या बन जाता है, यस, क्यूटेन यूजुअली रेजिस्ट्स ऑक्सीडेशन। ये मैंने बाय द वे पिछले सेशन में भी ये सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करने का, एल्डिहाइड का फटाक से एसिड बना देने का, है ना, बट इफ फोर्स्ड इट मेक्स कार्बोक्सिलिक, क्या बनाता है,
COH by splitting of carbon to carbon bond. क्या? By splitting of carbon to carbon bond. मतलब carbon carbon bond टूट जाएगा और दोनों साइड पे क्या बनेगा बच्चे? दोनों साइड पे एसिड. मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड तोड़ो, दोनों साइड पे एसिड बनाओ. ऐसा कोई है ऑप्शन? चेक करो. कौन सा ऑप्शन चेक करो? इधर तोड़ा, इधर OH, इधर OH. ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड COH, ये भी COH. है ऐसा ऑप्शन? यस. अब आपको मैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहा हूँ. इसका नाम आपने जरूर सुना होगा बट कभी किसी ने ढंग से समझाया नहीं होगा. ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है ना, इसको आपने जरूर सुना है, ध्यान से देखना. इसको आप बोलते हो पोपोव्स रूल. नाम जरूर सुना होगा बट समझ में नहीं आया. बात समझ में आ गया? कोई पूछेगा पोपोव रूल क्या होता है तो क्या बोलोगे? जब कीटोन को जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करते हैं और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है और दोनों साइड COH बन जाता है, उसको बोलते हैं पोपोव रूल. समझे? ठीक है. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी. अच्छा, ये नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में पोपोव रूल नहीं दिया हुआ है. अगेन एक्स्ट्रा चीज है, जेई के लिए यूज होता है, बट आपको सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बता दिया नॉलेज के लिए. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सीधा क्या करने का, दोनों साइड पे COH बना देने. ठीक है, कैसा हिंट क्या था? ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेशन किया, बरोबर. चलो अगला सवाल. When acetylene is passed through dilute H2SO4 in the presence of HgSO4, इसको बहुत ही अच्छे से 5-star करना. क्या करना? 5-star करना. अब ये क्वेश्चन पहली बार देख के ऐसा लगता है अरे सर क्या ही पूछ लिया, समझ नहीं आ रहा, मुझे तो याद ही नहीं, ये और ये साथ में मिलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, है ना? लेकिन एल्डिहाइड कीटोन जो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी थियरी को थोड़ा सा याद करोगे, 2 सेकंड दिमाग पर जोर दोगे तो याद आ जाएगा. मैंने एल्डिहाइड कीटोन की थियरी पढ़ाते वक्त एक ऐसा रिएक्शन लिखवाया था, याद करना, अभी लिख के दूंगा तो याद आ जाएगा तुरंत. CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, प्लस H2 प्लस वाटर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अब यहां पर कैच है, इन द प्रेजेंस ऑफ 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4. ये ऐसा दिमाग में ड्रिल किया था. 1% HgSO4 वाला पूरे सिलेबस में एक अकेला रिएक्शन है, पूरे सिलेबस में एक अकेला रिएक्शन है 1% HgSO4. तो ये दो का कॉम्बो को भूलने का सवाल ही नहीं उठता. क्या H2SO4 प्लस 1% HgSO4, समझ में आया क्या? क्या होता है इसमें? एल्काइन में वाटर ऐड होता है. क्या होता है? एल्काइन में वाटर ऐड होता है. अब समझो अगर आपको स्ट्राइक नहीं हो रहा कि अरे यार वाटर ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा, तो वाटर को कभी भी, ये ट्रिक याद रखना, कभी भी वाटर का एडिशन आपको रिएक्शन है और समझ में नहीं आ रहा ना कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो ध्यान से देखना. आपको कभी भी ऐसा हो दे कि भाई वाटर का आपको एडिशन करना है, नहीं समझ आ रहा है, तो वाटर को हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में लिखो. कैसा? H प्लस OH माइनस. अब मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर लोगे क्या? आप बोलोगे सर ये तो ईजी है कि नहीं? बोलोगे सर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CHOH. बोलो हाँ या ना. क्या किया? पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो. किया. अब ये बताओ क्या बना? आप बोलोगे सर ये देखा देखा सा लग रहा है, इन ऑल, इन ऑल, इन. ये हुई बात. इन ऑल सुनते ही स्ट्राइक हुआ टॉटोमेरिज्म. ये हुई ना बात, है कि नहीं? याद हो गई चीजें. अब देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार मेरे को तो याद है, मैं देखूंगा मेरे को याद आ रहा है ना. इनॉल क्या करना है? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में पाई बॉन्ड को यहाँ लेके जाओ और ऑक्सीजन के एच को यहाँ लेके जाओ. ये भी याद होगा, है कि नहीं? तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? आप बोलो अरे सर एक नंबर काम हो गया, समझ में आ गया. क्या? CH यहाँ पर था ही, डबल बॉन्ड ओ, CH3CHO, आंसर इज एसिटाइल्डिहाइड. मार्क करो, 4 मार्क ले लो, आगे बढ़ो, खत्म, सिंपल, है कि नहीं? अब यही रिएक्शन हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आता है एल्डिहाइड कीटोन में, समझे? अब जेई वाले इसको पढ़ेंगे तो उसको हाई फंडू बोलेंगे, कुचेरोव रिएक्शन. हाँ, नाम वाम नेम में लिखा के वो कुछ थोड़ा हाई फंडू बनाएंगे उसको, लेकिन अपन क्या करेंगे? अपन सिंपल रखते ना बस बात को. अपन बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्या है, वाटर ऐड किया. आप बोलोगे सर मेरे को तो स्ट्राइक ही नहीं हुआ वाटर आपने कैसे ले लिया? भैया डाइल्यूट है, देखो क्या है, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी ऐड हुआ है, और ये दोनों तो भूलने ही नहीं कॉम्बिनेशन. समझ में आ गई क्या बात? सिंपल, बढ़िया. और इन ऑल देखते ही तो नींद में से उठा के पूछूंगा तो भी बोल दोगे कि क्या होने वाला है, टॉटोमेरिज्म. बात ही खत्म हो गई यार, सिंपल है ना. चलो बढ़िया. तीसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या तीसरा? नहीं सॉरी, ये 42 क्वेश्चन हो गए अपने, है ना, हाइड्रोकार्बन का 42nd क्वेश्चन है. नंबर भी लिख दूं क्या? नहीं, 41 क्वेश्चन.
ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, देखो सिलिंड्रिकल शेप ऑफ, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिलिंड्रिकल शेप ऑफ एल्काइन इज ड्यू टू व्हाट, ऑफ कोर्स देयर आर वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, बात खत्म, सीधी बात। ए देखो ए कितना बकवास, ए कितना बकवास, तीन सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकता, तीन पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, दो सिग्मा एक पाई नहीं हो सकता, आंसर क्या है बताओ, ये लिख के तुम्हारी इंसल्ट थोड़ी करूंगा, ये तो समझ गए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है ये, ठीक है। कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट, आइडेंटिफाई द कंपाउंड। अरे क्या इजी क्वेश्चन यार, क्या इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखो NaNH2 के साथ कौन रिएक्ट करता था, मैंने क्या कहा था NaNH2 के साथ कौन रिएक्ट करता था, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुम NaNH2 यूज करते थे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या एरोमेटिक कंपाउंड। एल्काइन, मैंने क्या कहा था, टर्मिनल एल्काइन को पहचानने के लिए है कि नहीं, टर्मिनल एल्काइन को पहचानने के लिए क्या है, टर्मिनल एल्काइन को पहचानने के लिए तुम NaNH2 यूज करते हो, यस और नो। तो आंसर क्या आया, आंख बंद करके मार्क कर सकते हो, आंसर आया ऑप्शन ए, क्यों, क्योंकि एसिटिलीन है टर्मिनल एल्काइन है, बाकी ये क्या है, ये बेंजीन है, ये इथेन है, ये इथीन है, ये सब रिएक्ट नहीं करते, अकेला कौन रिएक्ट करता है, टर्मिनल एल्काइन, मार्क करेंगे आगे बढ़ेंगे, समझे, अरे बोलो हाँ या ना, है कि नहीं, यू वॉन्ट टू सी द रिएक्शन हाउ इट हैपेंस, यू वॉन्ट टू सी द रिएक्शन, चलो आपको रिएक्शन भी दिखाते, कोई बात, मेरा टर्मिनल एल्काइन एसिडिक है क्या, ये C2H2 है, ठीक है, ये NaNH2 है, ये बेस है क्या, बोला ना मैंने, है कि नहीं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये तुमको ये क्या करेगा, बोलेगा भाई H+ निकालो मेरे को दे दो और तुम सोडियम ले लो, है कि नहीं, तो बोलेगा ठीक है भाई मैं देता हूँ तुमको, ये लो, ये तुम्हारा इधर सोडियम, इधर ये, और प्लस क्या आएगा NH3, खत्म, NH2 को क्या मिल गया, NH2 को क्या मिल गया, हाइड्रोजन, बात ही खत्म, सिंपल, अरे बोलो हाँ या ना, है ना, ये हुई ना बात, क्लियर हुई बात, यस, ठीक है, आंसर नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ टू, देखो अब आप बोलोगे कि सर कितने क्वेश्चन, और मैं ये मजाक तो नहीं कर रहा, आपके सामने प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, कितने क्वेश्चन, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम NaNH2, यहाँ देखो NaNH2, यहाँ देखो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया NaNH2, कितने क्वेश्चन, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, तो आपको पता है कि इस टॉपिक एल्काइन के टॉपिक में से यही पूछता है वो, उसको और आता ही नहीं पूछने के लिए कुछ, समझ गए क्या, यही तो बात है, यही तो मेन मजे है बॉस, ठीक है ना, चलो CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये क्या बनाया मैंने, क्या बनाया, ब्यूटटूआइन, क्वेश्चन में दिया है, इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यानी कि NaNH2, आंसर बता दो यार, आंसर क्या आएगा, क्या ये रिएक्ट करेगा, क्या ये टर्मिनल एल्काइन है, ये टर्मिनल एल्काइन है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा नो रिएक्शन, नहीं, यहां पर एक कैच है, यहां पर एक कैच है, आप अगर याद हो अभी 4-5 क्वेश्चन पहले अभी आपने एक ये किया, मैं आपको बता दूं फिर से रिवाइज करा दूं, चलो आपने एक क्वेश्चन ये किया, मैंने क्या कहा था कि ये वाला हाइड्रोजिनेशन करता है, कहा था क्या करता है, ये करता है हाइड्रोजिनेशन, कहा था ना, ठीक है, तो अगर अगर उसको सॉल्ट बनाना हो, मतलब कि उसको एसिड बेस रिएक्शन करना हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, टर्मिनल का, देखो NaNH2 एक बहुत ही विचित्र प्राणी है, NaNH2 क्या है, बहुत ही विचित्र प्राणी है, विचित्र चीज है, क्या है, क्या करता है बॉस, ये बोलता है यार देखो ध्यान से सुनना, अगर मेरे को टर्मिनल एल्काइन मिलेगा तो क्या, अगर मेरे को टर्मिनल एल्काइन मिलेगा तो मैं उससे एच ले लूंगा और मैं एसिड बेस रिएक्शन करूंगा, क्या करूंगा, एसिड बेस रिएक्शन, और अगर मेरे को नॉन टर्मिनल एल्काइन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मैं उसको हाइड्रोजन दे के उसका रिडक्शन कर दूंगा, क्या कर दूंगा उसका, उसको हाइड्रोजन देके उसका रिडक्शन करके एल्कीन बना दूंगा, ये बात समझ में आई क्या, भेजे में गई, अब यहां पर एक बॉन्ड तोड़ के वो एच तो देगा, बोलोगे ठीक है भाई एच देगा, ओके, है ना, क्योंकि देखो यार देखो मुद्दा ये है ना कि ये विचित्र क्यों है, क्योंकि इसके पास अमोनिया के पास तो अमोनिया वाली बेसिक क्वालिटी भी है और यहां से ये हाइड्रोजन भी दे सकता था, है ना, अच्छा अब सवाल ये कि अच्छा चलो ब्यूट टू इन तो बनाएगा, क्या बनेगा, ब्यूट टू इन, लेकिन सिस बनाएगा कि ट्रांस बनाएगा, तो इसके लिए भी याद कर लेना क्या छोटी सी मेरी बताई हुई एक
ट्रिक, छोटी सी बताई हुई एक ट्रिक, जरा याद करना। एल्काइन, क्या एल्काइन, एल्काइन बोले तो क्या बच्चे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना। एल्काइन में जब आप हाइड्रोजन डालने की कोशिश करते हो तो आपके पास दो तरीके होते हैं, दो तरीके। एक तो आपने हाइड्रोजन किसकी मदद से डाला, प्लैटिनम पैलेडियम के मदद से डाला, है ना, प्लैटिनम पैलेडियम की मदद से ऐसा किया था ना हमने, प्लैटिनम पैलेडियम की मदद से, यस। दूसरा हमने NaNH2 यानी कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की मदद से डाला, किसकी मदद से डाला, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की मदद से डाला। अगर तुम प्लैटिनम पैलेडियम के साथ डालते तो ये सिस एल्कीन बनाता, ये याद कर लो, क्या बनाता, सिस एल्कीन। और तुम अगर इसके सोडियम के साथ बनाते तो ये क्या बनाता, ट्रांस एल्कीन बनाता। तो आंसर क्या आ गया, बस इजी सिंपल। अच्छा, इसके पीछे ना बहुत लंबा चौड़ा सा फंडा है, सीन एडिशन, एंटी एडिशन। हाँ, अब आप बोलोगे सर वो क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि वो आपके NCERT के सिलेबस में ऑफिशियली नहीं है, सिर्फ JEE एडवांस में उसके सवाल पूछे जाते हैं ज्यादा करके। अगेन आप देखोगे तो ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन, तो क्या आपके लेवल पे ये आपको पूछने वाला है, ऑनेस्टली द आंसर इज नो। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि अच्छा सर को तो ये आता ही नहीं इसलिए नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता बेटा, ठीक है। मैं आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करवा रहा हूँ जो एक्चुअली आपके आने वाले, उस पर ज्यादा मैं डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। ये वाले आप देख लो, आपको आइडिया होना चाहिए कि अच्छा क्या है, क्या पहले पूछा हुआ है, किस तरह से, बट इसके ऊपर आप ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, ठीक है ना, ओके। अगर प्लैटिनम पैलेडियम होता तो सिस बनता, सोडियम लिक्विड अमोनिया तो ट्रांस, सिंपल डायरेक्ट, ठीक। अगला सवाल बताओ, आपके पास है RCH2 CCl, नहीं ये अगेन आपका पुराना सिलेबस का क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको, रहने दो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट। देखो ये 93-92 के कुछ, मैं सारे नहीं बट कुछ कुछ एकदम जो एब्सर्ड क्वेश्चन है, जो बिल्कुल नीट लेवल के नहीं है, उनको मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ, ठीक है। ये मैं JEE वही वालों को करा दूंगा, आप लोग को नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, ओके, ठीक। अगला वाला ये बताओ, ये तो ईजी क्वेश्चन, विच सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बेंजीन अमंग्स द फॉलोइंग, ठीक है, बेंजीन के बारे में इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताइए, है ना। बेंजीन बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन बेंजीन अंडरगोज एडिशन इजीली, क्या ऐसा है, बेंजीन में अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड होता है, बट क्या वो कभी एडिशन रिएक्शंस दिखाता है क्या, हम लोग क्या लिखते हैं हमेशा। अच्छा, कुछ बेसिक चीजें अगेन आपको रिवाइज करा दूं, ठीक है, ये रिविजन, ये रिवाइज करो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या रिवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जब एल्केन्स हैं तो वो क्या प्रेफर करेंगे बोलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बरोबर है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं, करेक्ट ना, यस। जब एल्कीन या एल्काइन है बेटा तो वो क्या प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड होते हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, एडिशन रिएक्शन, वो चाहते हैं मेरा डबल ट्रिपल बॉन्ड टूट जाए, कुछ नया ऐड हो, बरोबर बोलो, हाँ या ना, ठीक है। जो बेंजीन है, जो बेंजीन की रिंग है, वो क्या प्रेफर करती है, वो भी सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करती है, बट कौन सा, वो प्रेफर करती है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, कौन सा वाला, इलेक्ट्रोफिलिक। अब आपको याद आएगा मैंने आपको थियरी में बहुत डिटेल में पढ़ाया था EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने शाना रिएक्शंस करके ऐसे पढ़ाए थे ना, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, ऐसे हर चैप्टर में हम लोग पढ़ते थे पांच पांच ऐसे रिएक्शन, याद है, फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह, फ्रीडल क्राफ्ट का नाम याद होगा, है ना। तो बेंजीन रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, मतलब ए गलत है क्या, ए गलत है ना, ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है तो ए तो गलत है, नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि एडिशन नहीं, वो सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, बरोबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीसी बॉन्ड्स इन बेंजीन, बरोबर है ना, एक सीसी सिंगल बॉन्ड भी होता है और सीसी डबल बॉन्ड भी होता है, ये सही है क्या, अरे बोलो हाँ या ना। बेंजीन रिंग में दो टाइप के सीसी बॉन्ड होते हैं, यस और नो, कौन से दो टाइप के सीसी बॉन्ड होते हैं बेटा, कौन से दो टाइप के सीसी बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल और एक डबल, दोनों होते हैं, अच्छा। देन सी में क्या बोलता है, देयर इज साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन, हाँ ये भी तो होता है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन तो होता है ना, बेंजीन में क्या होता है हमेशा, बेंजीन रिंग में हम लोग बचपन से क्या बनाते आ रहे, एक ये बेंजीन रिंग है, और इसके आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बेंजीन सुनते क्या दिमाग में आता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं क्या, है ना,
डबल बॉन्ड्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं ना, तो डीग्लोकलाइजेशन भी होता है, मतलब बी भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है, समझा? ये थोड़ा सा गड़बड़ है ना क्वेश्चन, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट, सही बोल रहा हूं? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ऑप्शन राइट है, मतलब ये तो क्वेश्चन ही थोड़ा एब्सर्ड हो गया, ठीक है। अगेन ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, तो इस पे ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है। गलती हुई भी है तो होने दो, कॉन्सेप्ट तो आपके रिवाइज हो गए इसमें, उसी बहाने इस क्वेश्चन के बहाने क्या हुए, थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, ये तो अरे ये तो क्या इजी यार, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ है, 2 सेकंड में आंसर आना चाहिए, जितने ज्यादा बॉन्ड उतने उतनी शॉर्ट लेंथ, जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी शॉर्ट लेंथ, मतलब क्या बोला है, शॉर्ट लेंथ पूछा है, सी सी ट्रिपल बॉन्ड सबसे शॉर्ट, फिर सी डबल बॉन्ड सी, फिर सी डेढ़ बॉन्ड, डेढ़ बॉन्ड किस में होता है, बेंजीन में, और फिर सी सिंगल बॉन्ड। बेंजीन में डेढ़ क्यों माना जाता है, एक एक सिंगल एक डबल है ऑल्टरनेट, तो मैं उसको 1.5 मान लूं क्या, इस तरह से है कि नहीं, है ना। क्या आया आंसर, क्या आया, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। लॉन्गेस्ट पूछता तो लॉन्गेस्ट पूछता ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता, बहुत बढ़िया। फिर देखो, फिर देखो, अब आप सोचो, अगेन रेपिटेशन, आपको टाइप वाइज में दिखा रहा हूं, देखो सवाल बताओ, शॉर्टेस्ट सीसी बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट इन एसिटिलीन, भाई दी ओनली एल्काइन, खत्म हो गई बात, टाइम पास करना ही नहीं, बात आगे करनी ही नहीं है, समझ रहे हो क्या, गलत बोल रहा हूं क्या। डायमंड में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी भी होता है, सी सिंगल बॉन्ड सी भी होता है, बट डायमंड इज बेसिकली एन एलोट्रोप, इट्स एन एलिमेंट, इट्स नॉट अ कंपाउंड एनीवे, है ना, ठीक है। देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश द फॉलोइंग कंपाउंड 3। अरे एक नंबर सवाल क्या है, क्वेश्चन को देखो, हाँ, विच इज द मोस्ट सूटेबल रिएजेंट, मोस्ट सूटेबल रिएजेंट टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड नंबर 3, कंपाउंड नंबर 3, तो 1 हो गया, 2 को छोड़ दो, इसको 1 को छोड़ो, 2 को छोड़ो, किसको पकड़ो, 3 को, 3 को ध्यान से देखो, 3 क्या है, 3 क्या है, नाम क्या है, नाम 3 का, 1, 2, 3, 4, 1-butyne, 1-butyne देखा देखा सा लग रहा है, कैसा है, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, टर्मिनल है, मैंने क्या दो चीजें बताई थी जो डिस्टिंग्विश करेंगी टर्मिनल एल्काइन को, एक NaNH2 जो यहां पे ऑप्शन में नहीं है, और दूसरा टोलेंस रिएजेंट जिसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला था, याद है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोला था, बोला था इंपॉर्टेंट है, आया कि नहीं, टोलेंस रिएजेंट अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर मिरर टेस्ट में भी यूज होता है और यहां भी यूज होता है, एकदम इजी। अगर आपको बेसिक चीजें जो ट्रिक्स मैंने बताई वो याद है, आंसर 2-2 मिनट 5-5 मिनट में आने वाले, ठीक है। तो अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो टर्मिनल एल्काइंस को डिस्टिंग्विश कर लेता है, ये नहीं होता तो NaNH2 दिया रहता तो वो भी ऑप्शन हो सकता था, बट वो दिया नहीं है, क्लियर, ठीक है। देन एसिटिलाइनिक हाइड्रोजन्स, कौन से, क्या एसिटिलाइनिक, आप बोलोगे सर ये तो वर्ड पहली बार सुन रहा हूं, मैं खुद पहली बार सुन रहा था जब मैंने सॉल्व किया था ये, बट कुछ बड़ी बात नहीं, एसिटिलाइनिक मतलब भैया जो एसिटिलीन में जो हाइड्रोजन होते हैं ना टर्मिनल वाले, उनको बोलते हैं एसिटिलाइनिक हाइड्रोजन, क्या मैं उनको एसिडिक हाइड्रोजन बोलूं, क्या उनको एसपी वाले हाइड्रोजन बोलूं, सही बोल रहा हूं, व्हाई आर दे एसिडिक, मैंने अभी बताया था एसिडिक के लिए कारण क्या था, ऑप्शंस को पढ़ो, आंसर विल जंप आउट एट यू, एसिडिक होने का कारण क्या था, ट्रिपल बॉन्ड के एसिडिक होने का कारण क्या था, ऑप्शंस को पढ़ो, आंसर विल जंप आउट एट यू, क्या बताया था मैंने, क्या बोला था, चेक करो कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन था यार, अभी करवाया था एक क्वेश्चन, ये क्या बोला था, गोचू क्या बोला था, परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो चाइनीज में लिखा है ऑप्शन में, क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोलता है,
एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ 50% एस कैरेक्टर. डायरेक्ट दे रहा है वो तुमको आंसर यार. एसिडिक क्यों है? बिकॉज ऑफ, बात ही खत्म. एसिडिक बोला तो एस कैरेक्टर दिमाग में क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? क्लिक होना चाहिए. Sorry, I can't make a phone call with you. I can't. मेरा यहाँ पे सीरी एक्टिवेट हो गया. चलो ठीक है, तो आंसर आएगा क्या? ऑप्शन ए, दैट इज 50% एस कैरेक्टर की वजह से एसिडिक कैरेक्टर. अगला सवाल, रेड हॉट आयन ट्यूब. पूरे सिलेबस में एक ही ऐसा रिएक्शन है, रेड हॉट आयन ट्यूब. भूलने मतलब समझ में याद ही हो जाता है. पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है, रेड हॉट आयन ट्यूब. जैसे ही रेड हॉट आयन ट्यूब की बात करेंगे, मतलब कि जो भी कंपाउंड दिया हुआ है इसका क्या हो जाएगा? इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइक्लाइजेशन. अब आप बोलोगे सर ये साइक्लाइजेशन क्या होता है, तो समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, टेंशन मत लो. ऐसा समझो रिएक्शन पहली बार सीख रहे हो, ठीक है, पहली बार सीख रहे हो, समझो साइक्लाइजेशन. और इसको हम लोग एरोमेटाइजेशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास नॉन एरोमेटिक यानी कि एलिफैटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है. अब ध्यान से देखना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है. क्या ये प्रोपाइन है? बोलो हाँ या ना. क्या ये प्रोपाइन है? ठीक है. अब आपको साइक्लाइजेशन या एरोमेटाइजेशन की जब बात हो रही है तो दो चीजें याद रखनी. एक तो एरो पे क्या लिखा होगा? रेड हॉट आयन ट्यूब. क्या लिखा होगा एरो पे? क्या लिखा होगा? हाँ, बस ये ध्यान में रख लेना, रेड हॉट आयरन ट्यूब. ठीक है, ये बहुत टिपिकल चीज है जो वो लिखते हैं. ठीक है. और दूसरी चीज की जो भी एलिफैटिक कंपाउंड आपने लिया था उसके क्या लेने हैं आपको? क्या लेने? 3 मोल्स लेने. क्या लेने? 3 मोल्स. अब जरा ध्यान से बताओ, 3 कार्बन का कंपाउंड है और उसके 3 मोल लिए, मतलब टोटल कार्बन कितने हुए बेटा? 9 कार्बन. एरोमेटिक रिंग बनानी है, मतलब मैं बोल सकता हूँ बेंजीन रिंग बनानी है. बोलो हाँ या ना. क्या बनानी है? बेंजीन रिंग बनानी. अब बोलोगे ठीक है सर, बेंजीन रिंग बना दो. बेंजीन रिंग बना दिया. ठीक है, इस तरह से. अब आगे क्या? आगे क्या? अब इसके पास 9 कार्बन चाहिए थे, तो क्या करेंगे? तीनों पोजीशन पे एक एक क्या लगा देंगे? CH3. काउंट करो, नंबर सही बैठ रहा है क्या? चेक करो कार्बन का नंबर सही बैठा. बोलो हाँ या ना. अब क्या बोल रहा है? सवाल को पढ़ो, क्या बोलता है? द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. बात खत्म, इजी. बताओ जल्दी जल्दी कितने सिग्मा बॉन्ड्स? CH3 में 3, यहाँ पे CH3 में 3, यहाँ पे CH3 में 3, बरोबर. अरे बोलो हाँ या ना. फिर यहाँ पर एक, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा. और बेंजीन के रिंग में ये वाले, हाँ 6 तो होंगे ना, 6 तो हो गए पहले ही. तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. काउंट करो कितने हुए टोटल? 3 और 3 6 और 3 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बरोबर. अब यहां पर मिस्टेक करोगे, अब यहां पर मिस्टेक करोगे. 15 अगर आंसर सोचोगे तो मिस्टेक करोगे. हर पोजीशन पे क्या लगा हुआ है साथ में? एक. तो यहां पर क्या आ जाएगा आंसर? 18. चेक करो आया क्या, है ना? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन दिल्ली यानी कि डी यानी 18. क्लियर. अब इसमें आप बोलोगे अरे सर ये तो ऐसे आप मतलब ये बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, 18 कैसे? मैंने मिस्टेक की का काउंटिंग में, शायद मेरे को शायद लग रहा मैंने मिस्टेक की काउंटिंग में. चेक करो एक बार मेरा आंसर वापस. 18 कैसे आएगा? 21 आना चाहिए ना. डिटेल में जरा मैंने बना दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. ये मैं रेड कलर से पाई बॉन्ड्स बना रहा हूं. पाई का तो जरूरत नहीं, उसने सिग्मा पूछा. अब सिग्मा काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बरोबर. मैंने हर एक को रेड, जो जो काले से कलर से किया था उसको रेड से अभी हाईलाइट करके मार्क कर लिया. तो आंसर आया ऑप्शन डी. मैंने पहले क्या सोच के 18
पता नहीं मेरी काउंटिंग में शायद थोड़ी गड़बड़ हुई, आंसर है ऑफकोर्स 21, ठीक है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि रेड हॉट आयन ट्यूब देख के क्या सोचना है। अब गड़बड़ देखो यहाँ पर, अब आपको ऑर्गेनिक जब आप याद करते हो ऐसा ओवरवेलमिंग लगता है, क्यों? क्योंकि मैं जो बार बार बातें बोलता हूँ वो आप उसको याद रखने की कोशिश नहीं करते कि भाई ये वर्ड से ये वर्ड रिलेटेड है। जैसे अभी कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म दिमाग में बैठ गया, ठीक है। हाइड्रोजन आया प्लैटिनम पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन होगा, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। रेड हॉट आयन ट्यूब आया एरोमेटाइजेशन होने वाला है, दिमाग में बैठ गया, ठीक है। sp2 sp3 आया तो एसिडिक कैरेक्टर पूछ रहा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछ रहा है, दिमाग में बैठ गया। ऐसी चीजें बिठाते जाओ तब ऑर्गेनिक पढ़ के मतलब है, ठीक है। आज एक नई चीज बताई, HgSO4 आएगा तो एल्काइन में वाटर ऐड होना है, पूरे पूरे सिलेबस में एक ही रिएक्शन है ना। फिर टर्मिनल एल्काइन को पहचानना है तो NaNH2 या फिर टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट है ना, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर, ये चीजें याद करो ना तब फायदा, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो घिसते रह जाओगे मैकेनिज्म को, कुछ दो साल और पढ़ोगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। 2016 हाँ, बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगेन, ये प्रॉपर जेन्युइनली स्पीकिंग ये नीट लेवल का नहीं गिना जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट लेवल का टेक्निकली नहीं गिना जाएगा, ये आप बोल सकते हो ये प्रॉपर जेई लेवल का है, पर ठीक है मैं करा देता हूँ, बट इसके ऊपर माता बच्ची वैसे नहीं करना, ठीक है। जरा क्वेश्चन को पहले समझ लेना क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यार आपको ऐसा दिया है कि ये दो चीजें हैं, ये दो अलग अलग हैं ना, ये बेंजीन है फिर ये साइक्लोहेक्सीन है और ये HF के साथ रिएक्ट हो रही है, ठीक है ना, एट लो टेम्परेचर, ये ध्यान में रखना, एट लो टेम्परेचर। अब यहाँ पर ना आपको एक थोड़ा सा कैच समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ज्यादा हाई फंडू लग रहा है तो जैसा मैंने कहा ये क्वेश्चन को छोड़ देना, इसके ऊपर माता बच्ची मत करना, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको छोड़ देना। मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में दिया बेंजीन रिंग, क्या दिया बेटा, स्टार्टिंग में दिया बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग जो है ना, बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। ये पहले क्या करता है कि ये HF के साथ में रिएक्ट करके आपका ये फ्लोरोबेंजीन पहले बना लेता है, क्या बना लेता है फ्लोरोबेंजीन बना लेता है, मतलब बेंजीन में एक फ्लोरीन ग्रुप लग गया, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है। तो अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, जरा इसका भी थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूं आपको कि जो HF है, ठीक है, उसका जो H+ है, ये HF क्या है, ये एसिड है ना, HF क्या है, H+ और F-, ये जो बुकानंगा हाइड्रोजन है ये बेंजीन रिंग के ऊपर जाके पहले इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ना डीलोकलाइज वाले उनके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और फिर ये कार्बोकैटायन बनाएगा, फिर वो कार्बोकैटायन के ऊपर आके F जुड़ जाएगा, समझ गए क्या, कार्बोकैटायन के ऊपर F- जुड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो HF है ये अच्छा एसिड है कि बुरा एसिड, ये बहुत वीक एसिड है, ये जल्दी H देता नहीं है, तो ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ लिखा है ये फास्ट पेस पे होने का चांसेस बहुत ही कम होता है, ये फटाफट होने का चांसेस बहुत ही कम होता है ना। तो उसके अलावा इसके पास ऑप्शन क्या है, जरा वो भी सोचते हैं। अगर ये बोलता है कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग को अटैक करने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बेंजीन रिंग वैसे भी बहुत स्टेबल है और HF भी बहुत पुअर एसिड है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, अब ध्यान से देखना। तो ऑप्शन मेरे पास बचता है भाई कि मैं साइक्लोहेक्सीन को अटैक करूं, ये दूसरा ऑप्शन भी तो दिया ना उसको, समझे आप मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, HF को इसको या इसको अटैक करने के बीच में ऑप्शन दिया गया तो किसको अटैक करेगा, साइक्लोहेक्सीन को, क्यों, क्योंकि बेंजीन ज़्यादा स्टेबल है ना। तो अब वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं बेंजीन को छोड़ता हूँ और किसको अटैक करता हूँ, साइक्लोहेक्सीन को अटैक करता, बोलोगे ठीक है साइक्लोहेक्सीन को उसने अटैक किया। अब यहाँ पर क्या था, सिमिलर फंडा बट ईजिली अटैक कर पाया क्योंकि सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है, तो जब एक पाई बॉन्ड टूटा तो क्या बना, कार्बोकैटायन बना, यस कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यस ठीक है, आप बोलोगे ओके है ना, पॉजिटिव चार्ज आया और इसको क्या मिला, HF का H इसको मिल गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, बताना, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये तो बेसिक्स में बहुत बार करा दिया, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या करता है, बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करता है, ये क्या करता है,
बेंजीन रिंग पे जाके अटैक करता है। अब बोलोगे क्यों करता है, तो इसके पहले वाले याद है बेसिक कॉन्सेप्ट बोला रिवाइज करो, कौन से क्वेश्चन में ये क्या बोला था याद करो, होचू देखो क्या बोला था, बेंजीन प्रेफर करता है कि नहीं करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लिखा है ना, ठीक है। अब बताओ समझ गया आप, अब आप बोलोगे हाँ यार ये तो सही है, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये जो बेंजीन की रिंग है ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करना पसंद करेगी, अब इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आप बोलोगे हाँ सर ये तो बड़ा सेंसिबल है। अब ये सेंसिबल लग रहा है क्योंकि आपको ये स्ट्राइक होना पड़ेगा कि पहले वो साइक्लोहेक्सीन के साथ रिएक्ट करता है, समझे क्या, या अगर वो स्ट्राइक नहीं हुआ तो बाकी कुछ करके फायदा नहीं है। और देखने का, अगर स्ट्राइक होता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाने का, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये क्वेश्चन, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन है ना अगर आपको नहीं आ रहे ना तो याद रखना कि मेजोरिटी 90% पब्लिक को ये नहीं आ रहे, ठीक है, कोई 30 मार्क खान नहीं है, सारे जो एवरेज स्टूडेंट है तो 90% पब्लिक को नहीं आ रहे, ऐसे क्वेश्चन रैंक डिसाइडर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपके 45 में से बाकी 40 हो गए ना, तब इनके ऊपर माथा पच्ची करने का, नहीं तो नहीं करने का, ठीक है। और ये यहां पर सीधा सीधा जुड़ गया, क्या आया ऑप्शन चेक करो, ये आया, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला था वो सीधा बेंजीन रिंग पे आके अटैक हो गया और बेंजीन ने H+ छोड़ दिया और उसको जोड़ लिया अपने साथ में, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, समझा क्या, ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बेसिकली ये जो हुआ ना, ये सेकंड वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ऐड हुआ ना, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ ना एक तरह का, यस, हाँ बस यहां पर यही सेम समझना था, ठीक है। Okay. In this reaction with HCl, an alkene reacts in accordance with Markovnikov rule to product give the product 1-chloro-1-methylcyclohexane. The possible alkane is printing error in the question. क्या? कौन react कर रहा था? वो लोग alkene को पूछ रहे. Product उन्होंने दिया है, वो original alkene को पूछ रहे. Product दिया है, original alkene क्या है वो पूछ रहे. अच्छा, अब उसने hint भी आपको दे दिया. Hint क्या दिया बेटा? कि मार्कोनिकोफ रूल हुआ है, मतलब आपको मालूम है कि मार्कोनिकोफ रूल लगा था, है ना, तो वो बोल रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट, वो कौन सी पॉसिबिलिटी है जिससे जिससे 1-chloro-1-methylcyclohexane बना था, है ना। तो चलो ऑप्शंस चेक करके देखते हैं, ऑप्शन ए को ध्यान से देखो, ये ऑप्शन ए है ना, डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, तो यहां पर ये सी और ये सी के बीच में डबल बॉन्ड है। अच्छा, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बोलो, 1, 2, 3, 4 गए, 0, इसके पास कितने 0, इसके पास कितने 2, तो जब इसमें HCl लगाऊंगा, जब इसमें HCl लगाऊंगा तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा, तो क्लोरीन किसको मिलेगा, तो CH3C और इसके पास Cl भी जाएगा और इसके ऊपर ये पूरी रिंग अटैच रहेगी, सही है, क्या ये बना, ये बना 1-chloro-1-methylcyclohexane, देखो 1-chloro-1-methylcyclohexane, यस, देखो ना यही वन पोजीशन है, यही वन नंबर है, इस पर मिथाइल भी है और क्लोरो भी है। अब बोलोगे वाह बेहतरीन, मतलब ए तो सही है, लेकिन ऐसा एक ऑप्शन है जहां पर ए और बी दोनों भी है, तो घाई करके हरक पदुड़ा बन के ए मार्क नहीं करने का, सोचने का पहले, देखने का क्या बी में हो सकता है, क्या बी में भी पॉसिबिलिटी चेक कर लें क्या, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड सी ये दिया ना, हाँ यही स्ट्रक्चर है। अब इसके पास कितने H थे बोलो, H अगेन यहां पर क्या 0, यहां पर क्या 1, है ना, Cl किसके पास जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन है मार्कोनिकोव, तो CH3 सी इसको क्या मिला Cl, इसको क्या मिला CH2 और फिर बाकी एसिड, ये भी सेम बना, ये भी बना क्या 1 पे क्लोरो और मिथाइल, यस, तो ए और बी दोनों, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी, यस। क्या करना था, कुछ नहीं, अंधा एकदम, मतलब ऐसा अंधे जैसा मार्कोनिकोव रूल लगाना था, मार्कोनिकोव रूल ही याद नहीं तो ऑनेस्टली फिर मार्क्स डिजर्व भी तो नहीं करते हो ना, मार्कोनिकोव रूल क्या है,
जो नेगेटिव पार्ट है वो किसको देना है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, बस बात खत्म, सिंपल। कुछ नया रॉकेट साइंस किया नहीं, आया आंसर, सीधी बात, चलो खत्म। अगला सवाल, गिवन ए बी और सी, तीन अलग अलग ये हैं, क्या बोलते हैं कंपाउंड्स, तीन अलग अलग कंपाउंड्स हैं, और वो पूछ रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी। ओके अगेन ये 2015 का AIPMT का जो मैंने बताया था कैंसल्ड पेपर था और लीक हुआ था, उसके बाद जो रिपीट पेपर हुआ था उन्होंने बैंड बजाने के लिए वो ऐसे वाले क्वेश्चन डाले थे सब जेई लेवल के, ठीक है ना। ओके बट यहाँ पर बहुत सिंपल फंडा है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो खैर है नहीं। आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी बोले तो एनर्जी, बोलो है ना, एंथैल्पी बोले तो क्या, एंथैल्पी बोले तो एनर्जी है कि नहीं, है ना। आप बोलोगे हाँ सर एंथैल्पी बोले तो एनर्जी, सही बात है। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजिनेशन की एनर्जी चाहिए, तो जो कंपाउंड बहुत ही अनस्टेबल है वो फट से रिएक्ट करेगा, बहुत सारी एनर्जी के साथ रिएक्ट करेगा, उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, सही बात है। और जो स्टेबल होगा उसकी बहुत कम होगी, क्या ये बात सही है, बोलो हाँ या ना। जो स्टेबल होगा उसकी रिएक्शन की एनर्जी कम होगी ना भाई, वो ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा जोर से, वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं कर रहा। ये सेम फंडा हमने ऑलरेडी पिछले सेशन में भी एक क्वेश्चन में किया था, अनस्टेबल वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा, ऐसा बोला था। अब यहां पर अगर हम लॉजिकली सोचें तो आपका आंसर, अगेन द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, इट विल जंप आउट एट यू। इसको ध्यान से देखना, ये क्या है, बेंजीन रिंग है, ये क्या है, साइक्लोहेक्साडाईन है, और ये क्या साइक्लोहेक्सेन है। क्या बेंजीन रिंग में पूरा रेजोनेंस है सीधा सीधा, क्या ये एरोमेटिक रिंग है सीधा सीधा, बोलो हाँ या ना, सीधी बात है ना। क्या ये पूरी की पूरी क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे पूरा रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये सबसे स्टेबल है। तो वन सबसे स्टेबल है तो लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम एनर्जी, बोलो हाँ या ना। वन सबसे पीछे का है ये, और ये बी और सी में देखो ऑप्शन, ध्यान से देखना है कि नहीं। अब थ्री में देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स बाहर उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी और उतनी ज्यादा एनर्जी, ये फटफट टूटेगा, ये यहाँ पे बहुत सारी हाइड्रेशन हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी होगी, बोलो हाँ या ना, यस। तो अगर मैं कंपाउंड वन को देखूं तो वो तो एरोमेटिक है, कंपाउंड टू को देखूं तो उसमें दो डबल बॉन्ड है, अगर ये यहाँ रेजोनेंस कर लेगा तो ये भी एरोमेटिक बनने के चांस है, लेकिन यहाँ पर तीनों डबल बॉन्ड बाहर में, कितना रेजोनेंस कराऊं, तीन बार कराना पड़ेगा, है ना। तो थ्री सबसे अनस्टेबल यानी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर टू फिर वन, क्या लिखेंगे, वन इज एरोमेटिक हेंस स्टेबल, सही है, एरोमेटिक सबसे स्टेबल होता है, बात खत्म, समझ गया, बहुत सिंपल सवाल, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन फाइव स्टार करना, अगेन ये आपको आगे हेलोजन डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फिनॉल सब जगह देखने मिलेगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट शो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली, विल नॉट शो क्या, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजीली। अब सबसे पहला आपका सवाल क्या आना चाहिए कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है। तो मैं आपको अगेन एक ट्रिक बताता हूं, एक शॉर्टकट बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूं, ट्रिक नहीं बोलूंगा इसको, मैं फंडा बोलूंगा, क्या बोलूंगा, फंडा याद रखना है। जैसे कीटो इनॉल आपने याद किया, जैसे आपने ये याद कर लिया, टर्मिनल एल्काइन का फंडा याद कर लिया, बहुत सारे फंडे याद किए, छोटी छोटी चीजें जो इसके साथ ये आएगा तो ये करना है। वैसे ही जैसे ही आप एरो पे देखेंगे एनहाइड्रस AlCl3 क्या देखेंगे, तो तुरंत बोलेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैंने थियरी पढ़ाते वक्त भी बोला है, एरो पे ऑन एरो क्या होएगा, एनहाइड्रस AlCl3 दिखेगा तो क्या बोलना है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। ये ध्यान में, जो पहले पहचान फंडा है उसकी पहचान तुमको पता तो होना चाहिए। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट में दो वेराइटी थी, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दूसरा क्या है, एसाइलेशन, मतलब या तो एल्काइल ग्रुप ऐड करना है या तो एसाइल ग्रुप ऐड करना है, किस में, एरोमेटिक कंपाउंड्स में।
क्या ये चारों एरोमेटिक है, क्यूमीन एरोमेटिक है, ज़ाइलीन एरोमेटिक है, नाइट्रोबेंजीन एरोमेटिक है, टोलुइन है, तो सारे एरोमेटिक, ठीक है। अब चारों के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ तुमको, मतलब इससे ज़्यादा डिटेल में तो जा ही नहीं सकते यार। क्यूमीन क्या है बताओ, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सही है। ये हमने कहाँ यूज़ किया था, ये हमने प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल में यूज़ किया था, है ना। फिर दूसरा है ज़ाइलीन, ज़ाइलीन क्या है, ज़ाइलीन है बेंजीन रिंग विद टू सी एच थ्री ग्रुप्स, ये ऑर्थो ज़ाइलीन, जैसे मेटाज़ाइलीन भी हो सकता था, पैराज़ाइलीन भी हो सकता था। तीसरा है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन तो आपको नींद में से बनाने आना चाहिए, बेंजीन रिंग पे एनओ टू। और चौथा क्या है, टोलुइन, टोलुइन भी आना चाहिए सबको बनाने, सी एच थ्री। अब जरा दिमाग लगा के मेरे को आप बता दोगे कि इसमें एक ही तुमको एक्सेप्शन या ऑड मैन आउट दिख रहा है, क्या आंसर आ गया? क्या है नाइट्रोबेंजीन में ऐसा, इट इज द ओनली विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बाकी सारे याद कराया था, याद है, ये एल्काइल, ये एल्काइल, ये एल्काइल, एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप, एडी मेरा नाम, एल्काइल एल्काइल एल्काइल, ये डोनर, ये डोनर, ये डोनर, ये कैसा है विड्रॉइंग। फ्रीडल क्राफ्ट कब प्रेफर होता है भाई, जब डोनर लगे हो तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रेफर होता है, विड्रॉइंग लगा हो तो फ्रीडल क्राफ्ट प्रेफर नहीं होता। अब सवाल पढ़ो, अब बोलोगे सर आप तो रट्टा मरवा रहे हो, फ्रीडल क्राफ्ट क्यों प्रेफर्ड नहीं होता ये भी बताओ, हम तो सीखेंगे। तो सीखो भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिखाने के लिए बैठे। क्या बोलता है भाई मेरे, क्या फ्रीडल क्राफ्ट को मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोला था, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आके अटैक करेगा आप बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है ना। तो अब ये डोनेट करा, ये सब, ये सबको बोल रहे अरे वाह इधर सब इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, इधर सब जमा हो गए इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये बोलता है मैं तो खुद खींचूंगा, जब ये खुद खींच रहा है, गरीब कर रहा है बेंजीन रिंग को, तो इस पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्या? तुम डाकू हो तो उस गांव को लूटोगे ना जहाँ पे भाई खजाना मिलने का चांस है, कि गरीब को ही लूटने जाओगे, समझे क्या? क्लियर हुआ फंडा? फ्रीडल क्राफ्ट इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, समझ गए क्या? ठीक है, ओके। अगला सवाल, नीट 2013 का क्वेश्चन अगेन। अच्छा ये फाइव स्टार करना, ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, फैक्चुअल आंसर है, याद करना पड़ेगा। क्या, कौन सा सबसे डीएक्टिवेटिंग, अच्छा ये जरूर बता दूंगा कि डीएक्टिवेटिंग क्या होता है। डीएक्टिवेटिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, जो डोनेट करेगा वो एक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सही है। ये चारों जो दिए आपको वो चारों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ध्यान से देखो उनको, क्या पहचान बताई है मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बच्चे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यस, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है हाँ, इसमें एस ओ एस डबल बॉन्ड होता है हाँ, इसमें एन डबल बॉन्ड होता है हाँ, सब में मल्टीपल बॉन्ड तो है, वो पहचान है किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, चारों विड्रॉइंग है। सवाल वो पूछ रहा है सबसे अच्छे से विड्रॉ कौन करता है। वैसे आपको इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद एक आइडिया तो आ ही गया होगा कि हम लोग हमेशा विड्रॉइंग में किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं बार बार, हम लोग जब भी विड्रॉइंग की बात करते हैं किसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं बार बार, हमेशा किसका पढ़ते हैं। इसके पहले भी मैंने हजारों क्वेश्चन कराए जिसमें हमेशा विड्रॉइंग के नाम पे क्या लिखा, हमेशा एनओ टू लिखा, राइट। तो एनओ टू सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, याद रहेगा, यस फैक्चुअल है, एनओ टू सबसे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। पूरी एक लिस्ट दी हुई है एनसीईआरटी में, पूरी एक लिस्ट दी हुई है, एक बार नजर मार लेना, नहीं तो एटलीस्ट ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला तो वो पूछेगा ही, वो याद कर लेना, पूरी लिस्ट रटने की कोई जरूरत वैसे नहीं, ठीक है ना, ओके। चलो अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X एंड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स Y, दस X एंड Y आर। ओ हो, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं तुमको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि पागल ही हो जाओगे, मतलब पागल मत हो जाना, पढ़ाई करना, ठीक है, तो पागल हो जाओगे तो पढ़ाई कैसे करो, चलो यहाँ देखो, ठीक है। अच्छा अब वो बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते जरा, ठीक है, टोलुइन का रिएक्शन किया Cl2 के साथ, बस इतना ही है ना,
टोलुइन का रिएक्शन किया सी एल टू के साथ, तो इतना तो लिख ही लोगे। फिर ट्रिक बताता हूँ, अब बोलोगे ठीक है। जब कुछ नहीं समझ, मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप वैसे बच्चे हो कि यार आपको कुछ भी नहीं आता समझो, तो कुछ नहीं सर मेरे को कुछ आइडिया नहीं, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो यार स्ट्रक्चर तो बना लो, इतना तो टाइम पास करो, ये है ना प्यार मोहब्बत से ऐसे बनाया, ये टोलुइन है ये क्लोरीन है, अब मुझे कुछ आइडिया नहीं कि ये क्या करने वाले आपस में, ठीक है ना समझो कुछ आइडिया नहीं, चलो मान लो एटलीस्ट इतना मैंने बना लिया। अब क्वेश्चन को देखो, वो बोलता है रिएक्शन किया दो तरीके से किया, एक प्रेजेंस, ये रिएक्शन दो बार किया, एक बार प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में किया और एक बार प्रेजेंस ऑफ लाइट में किया, समझ में आया क्या, एक बार प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में किया और एक बार प्रेजेंस ऑफ लाइट में किया, ठीक है, दोनों टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट मिले, दोनों टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट मिले, वो दोनों प्रोडक्ट्स का नाम बताइए। सवाल पहले समझ में आया कि नहीं बताओ, एक बार FeCl3 में किया और दूसरी बार किसमें किया, दूसरी बार लाइट में किया, दूसरी बार देखो एक बार FeCl3 में किया प्रेजेंस ऑफ FeCl3 में एंड दूसरी बार प्रेजेंस ऑफ लाइट में किया, सेम रिएक्शन और दोनों टाइम प्रोडक्ट अलग अलग मिले। आंसर है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई दोनों टाइम जो अलग अलग प्रोडक्ट मिले उनके नाम बताओ। तो अब देखो अब मैं क्वेश्चन को कैसे आपके लिए मॉडिफाई करता हूँ, ठीक, और इसकी ट्रिक समझ में आ जाएगी। ये रिएक्शन दो बार हुआ, ये रिएक्शन दो बार हुआ, एक बार FeCl3 के प्रेजेंस में हुआ और एक बार लाइट के प्रेजेंस में, समझा क्या, बार लाइट। अब ऐसा समझो ये तुम्हारा एक क्लोज कंपार्टमेंट था, ये क्या था तुम्हारा क्लोज कंपार्टमेंट, ये तुम्हारा घर है, ये क्या है तुम्हारा घर, और ये CH3 का है, घर के अंदर है कि घर के बाहर है, घर के बाहर है, तुमको इसके ऊपर क्या लगाना है, क्या लगाना, क्लोरीन। अब सवाल है कि मैं क्लोरीन इसको हाइड्रोजन को हटा के इधर क्लोरीन लगाऊं कि सर इधर लगाऊं ऑर्थो पे लगाऊं मेटा पे लगाऊं पैरा पे लगाऊं कि यहाँ पे मेटा पे कि यहाँ पे ऑर्थो पे कहाँ लगाऊं, ये सवाल है, ये कंफ्यूजन है। क्लोरीन लगेगा ये तो पक्का है लेकिन कहाँ लगेगा ये पता नहीं है, क्लियर। अब उसके लिए तुमको मैं एक बहुत ही बढ़िया से ट्रिक देता हूँ, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे घर के बाहर है, जब लाइट होती है तो तुम घर के बाहर जाना पसंद करते हो, होते हो करते हो कि नहीं, जब अंधेरा होता है तो घर के अंदर रहते हो, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, है ना, मम्मी बोलती है ना बेटा अंधेरा होने से पहले घर पे आ जाना, है ना। तो ट्रिक ये है कि आप ऐसा याद रखो जब FeCl3 उसके साथ में क्या है डार्क और दूसरे कंडीशन में क्या है लाइट, जब डार्क है तो बेंजीन रिंग में ही लगाना, जब डार्क है तो क्या क्लोरीन लगाना, कहाँ पे, बेंजीन रिंग में लगा दिया, और जब लाइट था तो बेंजीन रिंग के बाहर लगाया, कैसे, हाइड्रोजन को हटा के। अब आंसर बताओ, अब आंसर बताओ, लाइट वाला, लाइट वाला है बेंजाइल क्लोराइड, एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बेंजाइल क्लोराइड, एंड दिस इज क्या बोलते हैं ऑर्थो ना, दिस इज ऑर्थो पोजिशन, ये बेंजाइल क्लोराइड और मेटा नहीं बेंजाल, क्या दिया ये लोग ने, कुछ तो गड़बड़ किया है फिर तो ऑप्शंस में, ऑप्शंस में कुछ तो गड़बड़ किया है, लाइट में वो लोग ने, अच्छा एक्सेस में दिया, पहुंचू लोग लाइट में विद एक्सेस, ठीक है, ये अज्यूम किया उन्होंने, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, लाइट में क्या है क्लोरीन तो है लेकिन एक्सेस है, क्लोरीन कितना है एक्सेस, हाँ। अब जरा देखना, थोड़ा सा फंडा समझना जरा अच्छे से, जो फंडा मैंने ट्रिक बताया वो समझ में आई क्या बात, जब डार्क करेगा तो क्या करना है, CH3 को ऐसे ही रखना है, CH3 को छेड़ना नहीं है, बेंजीन रिंग पे क्लोरीन लगाना है। अब यहां पर मैं क्लोरीन लगा रहा हूं, यहां पे क्लोरीन लगा रहा हूं, पूछो क्यों, क्योंकि ये भूलना मत ये डोनर ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये तो याद है कि नहीं, ये तो बहुत बार करा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पोजीशन पे भी भेजेगा और पैरा पोजीशन पे भी भेजेगा, ये याद है, जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और दूसरे वाले में देखना जरा, जब आप CH3 ग्रुप में से क्लोरीन को रिप्लेस करते हो तो चेन रिएक्शन होता है, ये तो याद होगा,
क्या होता है? चेन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपने एक्सेस लिया, ये हिंट था, ये क्या एक्चुअली ये हिंट देना चाहिए था उनको, बट ये अज्यूम किया उन्होंने, क्या किया आपने एक्सेस। क्यों? क्योंकि जब एल्काइल ग्रुप में जब आप क्लोरीनेशन करते हो तो कैसा होता है, याद है ना मैंने कहा था चेन इनिशिएशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन। जब लाइट यूवी लाइट आता है तो क्या किया था, हाइड्रोजन रिप्लेस करते गए करते गए करते गए, है कि नहीं, जब तक खत्म नहीं हो गए, तो क्या मिला, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ये मिला ना ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, देखो ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, यस। और यहाँ पर ऑर्थो और यहाँ पर पैरा, देखो तो एक्स में क्या मिला ऑर्थो और पैरा, और वाई में क्या मिला ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। समझ में आया क्या ट्रिक, क्या याद रखनी थी ट्रिक, ये याद रखनी थी कि जब डार्क होगा, जब डार्क लिखा होगा तो बेंजीन रिंग में ही जोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, इजी है क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप था तो ऑर्थो और पैरा पे, सिंपल। और अगर लाइट है तो चेन रिएक्शन करते जाना है, हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाना है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन बन जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल, ठीक है, अगेन बेसिक हिंट बेसिक ट्रिक से सॉल्व होएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग, शायद फ्रीडल क्राफ्ट वगैरह मैं बोलता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलता हूँ तो शायद ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, बट अभी ये तीन चार और चैप्टर अपने जो मेन मेन ऑर्गेनिक के, कौन से, एल्डिहाइड कीटोन अमाइन है ना, वो जब अभी हम सॉल्व करेंगे ना इसके बाद, तो वो एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट के कम से कम आपको 100-150 क्वेश्चन आए रहेंगे अभी पूरे इसमें, मतलब मिला के, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं कर, ठीक है बेटा। चलो अगला सवाल, बस लास्ट 5 क्वेश्चन बचे, लास्ट 5 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स के, सारे टाइप्स हमने कवर किए। चलो ये क्या बोलता है, नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4। इसमें अगेन एक कॉन्सेप्ट, रिवाइज कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट था कि HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को हम क्या बोलते थे, ये नाम सुना हुआ है मैंने, बताया हुआ है, HNO3 और H2SO4 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं बच्चा, हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये नाम बताया हुआ है मैंने, क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जब दोनों कॉन्क रहते हैं तो क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये आपको NO2 नाइट्रोबेंजीन बना के, वो बोल रहा है उसको कुछ आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं, वो बोल रहा है ये दोनों लो बेंजीन के साथ रिएक्ट करो तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, वो खुद बता रहा है आपको। सवाल उसका क्या है, नाइट्रिक एसिड इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड, बेस या कैटलिस्ट, बस इतना पूछ रहा हूँ, सवाल समझ में आया, यस। वो बोल रहा है इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का रोल क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एसिड है, बेस है या कैटलिस्ट है, सिंपल है ना, ओके यहाँ पे समझते हैं। अब मुझे बताओ, अगेन इमेजिन करो आपको इसमें कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं आता, ऐसा मान लो, मुझे बताओ इन दोनों में से बेटर एसिड कौन, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन, ये तो पांचवी क्लास का बच्चा भी बता देगा। H2SO4 सीधी बात है सल्फ्यूरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो सल्फ्यूरिक जो है वो मुझे H+ देगा और साथ में HSO4- देगा, बरोबर, ये तो कर लोगे आप, बोलोगे सही है H+ देगा। अब प्रॉब्लम ये है नाइट्रिक एसिड की, कि नाइट्रिक एसिड के पास में है नाइट्रोजन, जिसके पास है क्या, लोन पेयर, नाइट्रोजन देखा तो क्या स्ट्राइक होना चाहिए, लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन कैसा है, भूखा नंगा है, अब कुछ स्ट्राइक हो रहा है, हाँ जहां हम हाइड्रोजन देखते हैं H+ और जहां हम लोन पेयर देखते हैं हाइड्रोजन आ जाता है भिखारी भीख मांगने, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ तो क्या बनता है, अब बोलोगे सर यहाँ पर बनेगा ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर उसको दे देगा और यहाँ पर HH यानी कि H2NO3 बन जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि फॉर्मल चार्ज आ गया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना तो क्या आ गया, प्लस चार्ज। तो मुझे बताओ नाइट्रिक एसिड ने क्या रोल निभाया, बताओ क्या रोल निभाया नाइट्रिक एसिड ने, आप बोलोगे सर इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, और जो डोनर होता है वो क्या होता है, हजार बार ये ट्रिक बताई है, वेरी गुड, एसिड एक्सेप्टर डोनर बेस, बहुत बढ़िया, आंसर क्या आएगा, कितना इजी, क्या लॉजिक था ना, क्या था इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला, तो ये H+ देगा, जैसे H+ देखा, H+ और नाइट्रोजन एक जगह दिख जाए तो आंख बंद करके क्या करना है, H+ को उसके लोन पेयर दे देने, समझ गए क्या, अच्छा कुछ नहीं स्ट्राइक हो रहा तो एटलीस्ट इतना तो पता है नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है तो वो लोन पेयर देके क्या बनेगा,
बेस, इज दैट क्लियर? एनहाइड्रस एल, देखो आप बोलोगे सर क्या आप तो चीजें बताते हो और वो तुरंत आ जाती है यार, देखो क्या बोला ना, पहचान किसकी पहचान है बोलो, एनहाइड्रस एल सी एल थ्री किसकी पहचान बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनहाइड्रस एल सी एल थ्री देखो समझ जाओ क्या हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, अभी यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, सी एच थ्री सी एल है तो एल्काइल है या एसाइल है, आप बोलोगे एल्काइल है भाई, बेंजीन रिंग, अब आप बोलो सर ये हम तो ऐसे ही लिख लेंगे, देखो आप तो ऐसे ही लिख लोगे, चेक करो करो के देखो, करके देखो फटाफट, बेंजीन रिंग है, यस सी एच थ्री सी एल है, बताओ सी एच थ्री सी एल को पॉजिटिव नेगेटिव करो, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, बेंजीन क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन आएगा उसके पास, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कहाँ आके जुड़ जाएगा, आंसर बता दो, आंख बंद करके भी आंसर गलत मार्क नहीं कर सकते हो, क्या आएगा आंसर, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, क्या आया आंसर, आंख बंद करके भी गलत आंसर मार्क नहीं कर सकते यार, कैसे सर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिए, बेंजीन रिंग है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करता है, एनहाइड्रस एलसीएल से पता चला कि फ्रीडल क्राफ्ट है, एल्काइलेशन होगा, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव है, यही इलेक्ट्रोफाइल है, यहां आके जुड़ जाएगा, आंसर आ गया, खत्म, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, समझे कि नहीं समझे, यस, लास्ट 3 क्वेश्चन फटाफट चलो, यूजिंग एनहाइड्रस, अरे क्या बात है, क्या आया क्या आया क्या आया, अब आप बोलोगे अरे सर ये तो इजी है, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, तो बेंजीन तो चाहिए, बेंजीन चारों में, बेंजीन चारों में, आप बोलोगे हाँ सर बेंजीन चारों में, ठीक है लेकिन साथ में इथाइल ग्रुप चाहिए, क्या चाहिए साथ में, इथाइल ग्रुप, तो बॉम्बे को देखो ये गलत हो गया, आप पूछो क्यों, क्योंकि 3 कार्बन है तो बॉम्बे पहले हटा दिया, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, है ना, ये हुई ना बात, तो फिर से समझो क्या पूछ रहा है, यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज कैटलिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन, आप बोलोगे सही है 1 नंबर, अब मुझे इथाइल बेंजीन के लिए आइडियली क्या चाहिए था, ठीक है ध्यान से सुनो, अगेन कॉन्सेप्ट ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताओ, ऐसा कुछ मैं नहीं ये आपसे एक्सपेक्ट करा कि आप मतलब कि एकदम कुछ हाई फंडू चीज पढ़ लो, है ना, या कुछ नहीं आता तो आज एकदम मतलब पूरा ये सीख लो, ऐसा नहीं, मैं आपको बेसिक चीज बता, टू कन्वर्ट, क्या बोल रहा हूं, टू कन्वर्ट बेंजीन टू एल्काइल बेंजीन, क्या मेरे को ये करना है, बेंजीन टू एल्काइल बेंजीन करना है क्या, क्वेश्चन को पढ़ो, क्या मुझे बेंजीन से इथाइल बेंजीन बनाना है, एल्काइल बेंजीन बनाया मैंने, अच्छा टू कन्वर्ट बेंजीन टू एल्काइल बेंजीन बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, यहां तक कोई बाउंसर तो नहीं जा रहा स्टेटमेंट, बेंजीन को एल्काइल बेंजीन बना सकते बाय फ्रीडल क्राफ्ट, विच रिएजेंट टू यूज, विच रिएजेंट टू यूज, आप दो ही रिएजेंट यूज करना प्रेफर करोगे, कौन सा, एक तो आप यूज करोगे RX, RX एल्काइल हैलाइड, देखो पिछले क्वेश्चन में क्या मैंने RX यूज किया था, क्या चेक करो, क्या मैंने टोलुइन बनाया था, चेक करो, बोलो हाँ ना, तो अगर मेरे को इन चारों में से एक ऑप्शन में इथाइल हैलाइड दिया होता तो मजे ही आ जाते लाइफ में, वो मेरा आंसर होता, क्लियर, यस, या तो फिर एल्कीन, क्या, या तो एल्कीन, अब आप बोलोगे सर दो ऑप्शन में एल्कीन है, बी और सी में, लेकिन सी मैंने बी मैंने पहले रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 3 कार्बन है, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, सिंपल है यार, अच्छा बाय द वे इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, ये हम लोग वैसे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं, बट ये इटार्ड का एक नॉट टेक्निकली इटार्ड रिएक्शन, बट उसी का एक वेरियंट है, आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आप पहले टोल्यूइन बनाते हो फिर उसको ऑक्सीडाइज करके ये, तो यहाँ पर आप इथाइल बेंजीन बनाओगे, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइल बेंजीन बनेगा, है कि नहीं, समझ में आया क्या, yes. देखो फ्रीडल का, अब देखो आप समझ गए कि अच्छा मेरे को जो हाइड्रोकार्बन पढ़ना है तो मेरे को घिस घिस के एक ही टॉपिक पढ़ना है, कौन सा, मेरे को फ्रीडल क्राफ्ट चार्ट जाना है, हाँ ये बात होती है, ये होती है एग्जाम की तैयारी, ऐसा कहीं कोई रूल नहीं लिखा हुआ कि तुमको सब कुछ ही पढ़ के जाना है, और दुनिया का कोई टॉपर कुछ कोई कुछ भी वो सब कुछ नहीं पढ़ के जाता, एग्जाम में स्कोर करने का होता है स्मार्टनेस,
कि आपको पता है कि मेरे को क्या प्रिपेयर करना है और क्या स्कोरिंग है. लर्निंग फॉर एन एग्जाम एंड स्कोरिंग इन एन एग्जाम इज आर टू डिफरेंट थिंग्स. समझ में आ रहा है क्या? ठीक, मेरी शक्ल दिख रही है? यस. चलो ये लास्ट दो क्वेश्चन बचे अपने, बस फटाफट फ्रीडल क्राफ्ट, और दोनों क्वेश्चन फ्रीडल क्राफ्ट के. तो लास्ट लास्ट के जितने भी क्वेश्चन आपने देखा वो फ्रीडल क्राफ्ट के सारे. चलो क्या बोलते हैं, इन फ्रीडल क्राफ्ट सिंथेसिस ऑफ टोलुइन, टोलुइन बनाना है. ठीक है, द रिएक्टेंट्स इन एडिशन टू AlCl3. अरे ये इजी क्वेश्चन है, क्या चाहिए बोलो? आपको टोलुइन बनाना है, मतलब बेंजीन से शुरू करना था. तो ऑप्शन ए गलत, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल क्लोराइड है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है. ए गलत, बी गलत, बोलो हाँ या ना. ठीक है, अब आप बेंजीन प्लस मीथेन प्रेफर करोगे कि बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड? अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आंसर, बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड. कितने सेकंड में आंसर आया? 2 सेकंड शायद, 3 सेकंड है कि नहीं? करके देखें ये रिएक्शन, करके देखें या किया हुआ है, अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना, यही वाला, ये रहा आंसर आ गया. क्या है? यही है ना, बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड टोलुइन. क्या इजी. और आप देखो 2000 AIPMT में क्वेश्चन आया, 2000, 2002, 2005 इनके बाद के जो क्वेश्चन वो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इन फ्रीडल क्राफ्ट. अरे ये तो सेम है, सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट. देखो बेंजीन प्लस एल्कलाइन, आप देखो सेम टू सेम. अच्छा शॉकिंग बात, CBSE 99, AIPMT 99, AIPMT 2000 क्वेश्चन तक चेंज नहीं किया, ऑप्शन तक चेंज नहीं किया. बोलो, एक जगह सी लिखा है, एक जगह डी लिखा है. बोलो, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, कंफर्म कर सकते हो, सामने सामने है. ठीक है, अच्छा एक और लास्ट चीज है, हाँ सॉरी लास्ट वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना अपना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैटिबल विद अरेंज, अपनी शीट में ये लास्ट क्वेश्चन आई थी. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपैटिबल विद अरेंज, क्या अरेंज में नहीं होता? अरेंज बोले तो क्या, एरोमेटिक कंपाउंड्स? अरेंज बोले तो ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है क्या? ऑप्शन ए सही है, एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? होती है. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है बेंजीन रिंग में, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ये भी होता है, डीलोकलाइजेशन बोलते हैं उसको. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है क्या? क्या एडिशन रिएक्शन दिखाता है वो? क्या बोला था मैंने 10 बार क्या बोला है? एक क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ तुमको, देखो कहाँ गए, अब इतने सारे करा दिए ना, अभी याद भी नहीं कहाँ पे. देखो हाँ देखो, अब यही है, अगर आप ये पढ़ोगे नहीं फिर बोलोगे मुझे नहीं आता तो गड़बड़ है. क्या है, क्या लिखा है? बेंजीन क्या प्रेफर कर रहा है? सब्सटीट्यूशन. कौन सा वाला? इलेक्ट्रोफिलिक. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रेफर कर रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर कर रहा है? क्या बोला है यहां पे? रॉन्ग कौन सा पूछा है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रेफर किया क्या उसने? नहीं, उसने क्या प्रेफर किया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन प्रेफर किया. तो ये नॉट कंपैटिबल. क्या ग्रेटर स्टेबिलिटी उसमें होती है? हाँ. क्या डीलोकलाइजेशन होता है? क्या रेजोनेंस होता है? हाँ. बी और डी तो सेम ही है, डीलोकलाइजेशन ही तो रेजोनेंस है. गंगाधर ही तो शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है ना. समझ गए? तो ये हुआ हमारा कंप्लीट, क्या पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन. सो दैट फिनिशेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास फॉर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. नाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम हैव आस्क्ड फॉर, लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट आर कमिंग इन. सी बच्चों, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा ऑनेस्टली बता दूँ, आई नेवर एवर सेड इन माई चैनल, मे बी वंस प्रॉब्ली, कि आप शेयर करो, लाइक करो या सब्सक्राइब करो, या मैं कोई ऐसे उसको प्रमोट करने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूँ. मेरे से जितना हो रहा है मैं आपका सिलेबस वैसे डालते जा रहा हूँ. बट यू हैव टू प्लीज रियलाइज दैट आई ऑल्सो हैव माई ओन क्लिनिक, माई पेशेंट्स टू लुक आफ्टर, आई हैव माई ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, आई हैव माई अदर बैचेस, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? सो आई ट्राई माई बेस्ट टू पुट थिंग्स, बट आई कॉन्ट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कि सर ये वाला चैप्टर पढ़ाओ या वो वाला कराओ या ये टाइम पे वो करा दो. मैं अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, और मैं उसका कोई प्रिटेंस भी नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा महान काम कर रहा हूँ या आपके लिए कोई मेहरबानी कर रहा हूँ. आपकी जितनी हेल्प हो सकती है आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. आप जितना स्कोर कर सकते हो, जितना अच्छा आप लाइफ में करोगे, जितने अच्छे मार्क्स लाओगे, मुझे बहुत खुशी होगी. कोशिश
जितनी ज़्यादा पॉसिबल है मैं करते रहूँगा, बट ऑनेस्टली एक लिमिट तक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर डिफिकल्टी हो रही है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बेस्ट मटेरियल मैं आपको दूँ या बेस्ट आपका प्रेपरेशन में आपको हेल्प कर सकूँ। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ माई एक्सपेक्टेशन, राइट? सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।